अच्छा जी दोस्त, क्या क्वेश्चन था आपका? जी रिजवान, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, वो कोड बस ओपन करें, कोड में से ही है एक दो मैं चीजें। कोड में आ गया। आपकी ये स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रही दोबारा। नहीं शेयर हो रही, मैं रोक के दोबारा कर देता हूँ। पता नहीं मेरे पास नहीं आ रही। अब आ गई। वो शेयर होकर पता नहीं शेयर नहीं हो रही उसमें। ठहरे मैं अपने पास कोड ओपन कर लेता हूँ, उसमें सी में आपसे कर लेता हो रही सर, मेरे हूँ। एक तो पास सर ये जो हो आपने साथ लगाया था, रही। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे, आपको स्क्रीन कैसे देखनी है मेरी, ठीक है? ये जो 24 बंदे लिखे हुए आ रहे हैं ना, उसकी लिस्ट में आप जाएं ऐसे, जी, उसके बाद आप वहाँ पे जाके मेरा वो नाम मैंने लिखें, निकाल आई लिया एन आपका सॉरी, वॉइस सही है? और जिस पे लिखा हुआ आ रहा है ना प्रेजेंटेशन से, प्रेजेंटिंग, वो उसको उस पे पिन लगा दें तो आपके वो सामने आ जाएगा। लगाया। फिर भी एक बार लेटर है, अपने मेरे पास कोड सामने है ना, मैं इसमें से आपसे पूछ लेता हूँ, वही कोड मैंने किया था। एक तो सर ये जो आपने साथ लिखा था ना, इफ के साथ यूजर के डार्ट जो आईडी आप यूज कर रहे हैं, लाइन इसकी नंबर समझ बताइए नहीं आ जरा। रही ये डार्ट आईडी। मेरे पास तो ये 56 है ना, जहाँ पे आपने ये फॉर लूप लगाया था ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के नीचे, ये पुट वाले के अंदर ही, इसके अंदर ये जो आपने लगाया था ना यूजर, और ये तो आई, तो चले लूप वाला होगा, और डार्ट ये जो आईडी है, इस चीज की नहीं समझ आ रही। ये जो डॉट आईडी है ना, ये यूज़र बनाते हुए हमने आईडी ऐड की थी ना इसके अंदर, देखें ये कुछ इस तरह का यूज़र बनेगा यहाँ पर। ये जो मैं यूज़र बनाता हूँ ना, जहाँ पोस्ट करता हूँ, जो लाइन नंबर 25 में जो पोस्ट करता हूँ यूज़र, वहाँ पे आप देखें जो न्यू यूज़र पुश होता है ना इस एरे के अंदर, वो कुछ इस तरह का होता है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो। जी, आप पुश हो रहा है, यूजर डॉट पुश न्यू यूजर। हाँ तो पुश जब हम करते हैं तो उसमें एक आईडी भेजते हैं ना हम रैंडम बना के पुश करते अच्छा हुए। सर, ये वो आईडी है, हाँ ठीक ये है वो सर। आईडी। अच्छा सर, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, एक है रिक्वेस्ट रिस्पांस, इन दोनों को रिक्वेस्ट में चीजों की, और रिस्पांस में तो हम ये मैसेज भी दे सकते हैं और कोई वैल्यू भी भेज सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दें। हाँ मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा आज की क्लास में जो है ना, हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सप्रेस को हम समझेंगे आज। आज से पहले जो हम करते रहे हैं, हमने पहले तो हेलो वर्ल्ड बनाया था, सही है? एक हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था, उसके बाद फिर हमने उस हेलो वर्ल्ड को हरिको पर डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया था कि एक सर्वर बनता कैसे है और आगे वो डिप्लॉय कैसे होता है, ये ज़ीरो से लेके एंड तक, यानी पूरा जो स्पैन है, ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया था कि हमने हेलो वर्ल्ड बनाया और बना के उसको एक जगह क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? तो ये एक हमारा फेज़ ये कंप्लीट हो गया था सर्वर का। अच्छा दूसरे फेज़ में हमने ये किया था कि हमने कुछ APIs तैयार की, ठीक है, सर्वर के अंदर, जैसे कि पोस्ट यूज़र, ठीक है, गेट यूज़र, इस तरह की कुछ हमने APIs तैयार की, ठीक है, और हमने उसको चला कर देखा अपने पास कि वो चलती कैसे है। अच्छा उसके फ़ौरन बाद हमने क्या किया, हमने REST API के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लिए कि भाई अब API होनी कैसी चाहिए असल में, ठीक है? तो ये हमने थोड़ा थियोरेटिकल जो चीज़ें थी वो हमने समझ ली, कुछ हमने इसके इसके कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरीज हमने इसकी डिस्कस कर ली। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम एक्सप्रेस के सर्वर में हम समझेंगे कि एक्सप्रेस हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है और एक्सप्रेस पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? वो ब्रीफली हम सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। अच्छा तो उसमें ये भी शामिल है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। अच्छा अब इसके लिए ना हमें जाना पड़ेगा एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, तो हम खोल लेते हैं। मैंने कहा एक्सप्रेस JS डॉक्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को हम फॉलो करेंगे, बुक भी है इसकी, लेकिन हम फ़िलहाल। जी दोस्त, सर, वो आपने कहा था कि वो सवाल मुझे क्लास के दौरान पूछिएगा हाँ जी, सवाल आपका क्या था? सर। मैं मतलब जैसे हमने HTML CSS पढ़ा है, अब मतलब मैं CSS जब कोडिंग करता हूँ वेबसाइट की, पोर्टफोलियो बनाने की, या वेबसाइट में बार बार बहुत जगह स्टक हो जाता हूँ, मतलब हेडर में, और मतलब नहीं बन पाती। देखें अब इसका मेन रीज़न पता है क्या है,
ये हाँ मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल आप क्लास में यस सर, पूछिएगा। ये मसला ना उन सब लोगों के साथ आएगा जिन्होंने ना शुरू में प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, देखें अब ओके बात पता है क्या है, जब जैसे मैंने HTML पढ़ाया तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया साथ में और प्रैक्टिस करने के लिए दिया, तो आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए जो दिया गया था ना, वो इसीलिए दिया गया था ताकि आप उस प्रैक्टिस को जब करें, आप कहीं पे स्टक हों तो आप मुझसे सवाल पूछें। ठीक है, तो वो टाइम तो आपका चला गया, होपफुली आपने बना लिए होंगे सारे असाइनमेंट्स, लेकिन वो टाइम तो खैर अब चला गया। अब जाहिर है आप ग्रुप में भी आप पुराने टॉपिक के सवाल पूछेंगे ना, तो शायद लोग इस तरह से आंसर ना करें। ठीक है, तो अच्छा, तो नंबर एक बात ये कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो बेसिक तो कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पता चल गए हैं, अगर नहीं पता चले तो वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं जाके, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए सारा काम होगा। अच्छा, अब जाहिर है वो कॉन्टेक्ट जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो एडवांस लेवल की नहीं पढ़ी हमने, हमने इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ी है। ठीक है, तो आप ये तो आप नहीं वो कर सकते कि मैं बहुत बड़ी वेबसाइट भी मैं बना लूँ, लेकिन जो छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं वो आप बना सकते हैं उससे ना, बन जानी चाहिए आपसे। अच्छा, वो अगर आपसे नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको करना ये होगा कि आप दोबारा से वो वीडियोस देखेंगे और उसको देख के ना, जैसे जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ उसको आप हाथ से लिखेंगे, जो मैंने असाइनमेंट्स दिए थे वो असाइनमेंट बनाएंगे और उससे मिलती जुलती एक दो चीज़ें और भी बनाएंगे आप। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेट होगा। देखो, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, कोडिंग ऐसी चीज़ है कि आप अगर चाहेंगे ना आपको रातों रात आ जाए तो ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस थोड़ा सा पेशेंस रखें और मेहनत करें थोड़ी। ठीक है, मेहनत करें, उसको टाइम दें आप, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये टाइम सिर्फ आपको लग रहा है, ये सबको लगता है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन अमूमन लोगों को बहुत टाइम लगता है ये चीज़ें सीखने में। अच्छा, जाहिर है मुश्किल काम है, जब इसके पैसे भी ज़्यादा हैं। तो नंबर एक तो ये बात हो गई। नंबर दो बात कि अभी अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है और वो आपसे कहता है कि यार मुझे वेबसाइट बनानी है और आपसे बन रही नहीं है वेबसाइट, तो अब करें क्या? देखें, आमतौर पर जो कम बजट वाले लोग होते हैं, ठीक है, जैसे रिसेंटली एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि यार, उनका ज्वेलर्स का काम है, तो उसने मुझसे कहा कि यार वो आपको मैंने कहा था कि मेरी शॉप के लिए वेबसाइट बना दें आप, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत पहले कहा था उसने। तो अब मिसाल के तौर पर इस तरह का कोई बंदा आ जाए जो बजट भी वो बोले कि सर ई यार, कॉमर्स वेबसाइट बनाई है मैंने। हाँ नहीं, ई कॉमर्स नहीं, अभी तो अभी सिर्फ अभी स्टेटिक पेज की बात हो रही है कि भाई कोई आए तो उसको दिखे कि हाँ यार ये शॉप है, इसका ये एड्रेस है, स्टेटिक वेबसाइट है। अच्छा, या ई कॉमर्स की भी बात है, वो भी एक ही बात है। तो अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाए और मुझसे वेब पेज नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं? तो मैंने इसी वजह से आपको टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना सिखाया है। ठीक है, टेम्पलेट्स वाली क्लास आपने ली थी फैज़ान? नो सर, टेम्पलेट्स वाली नहीं ली मैंने। अच्छा, जब HTML CSS हमारा कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद टेम्पलेट्स भी मैंने यूज़ करना सिखाया था। जी जी सर, थी है। तो वो आप देख लीजिएगा वो वाली क्लास। उसमें टेम्पलेट्स में क्या होता है कि जो पूरे वेब पेजेस हम अपने हाथ से बनाते हैं ना, इस तरह बहुत सारे लोगों ने बना बना के भी रखे हुए इंटरनेट पर ना, टेम्पलेट्स कहलाते हैं वो। तो आप उनमें से कोई टेम्पलेट उठाएंगे ज्वेलरी की शॉप का, अच्छा सा कोई, उसमें आपने इमेजेस और टेक्स्ट को सर, चेंज मैंने करना है। मैसेज सेंड किया, देखना जी। तो उसमें आप जो है ना, आप इमेजेस वगैरह चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है, तो लेकिन ये फौरी तौर पर अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए आम तौर पे इस तरह जो आपके पास कस्टमर आएंगे ना कि यार वेबसाइट बना दो, वो उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे देगा 15,000 20,000 दे देगा एक वेबसाइट के, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। अगर आपको डॉलर में अर्न करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, ठीक है, आपको 50-60,000 70,000 तक जाना है मंथली पे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस पे हाथ सेट करना पड़ेगा आपका। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि सर YouTube की रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस दे दें प्लीज़। हाँ यार, ये कुछ स्टूडेंट्स जो बाद में उन्होंने फ़ीस पे की है तो उनको मैं अभी तक एक्सेस नहीं दे पाया हूँ किसी को भी सर, ये मेरी लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी कर लूँ। इसके अंदर मसला है कुछ। अच्छा, आतिफ उमर, आतिफ उमर ने ये वेबसाइट सेंड की है, इन्होंने बनाई है ये ई कॉमर्स। सर ये चल रहा काम ना इसके ऊपर तो, लेकिन इस पे पब्लिक का रुझान जो होता है ना कम है बहुत। यार सही तो बनाई है आपने, बड़ी अच्छी बनाई है। इसमें क्या सवाल है आपका?
इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, किस तरीके से करूँ? इसकी एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक पे करें, फेसबुक पे ऐड चलता है। काफ़ी वगैरह है, मैंने इसके ऑर्डर्स भी कलेक्ट किए, दिए भी हैं ऑर्डर्स भी, लेकिन अभी इतना नहीं है, रमज़ान में काफ़ी काम हुआ था इसके ऊपर। नहीं, ये कोई रियल शॉप है या कोई ऐसी ही वेबसाइट रियल है? शॉप है, मैंने ई कॉमर्स शॉप बनाई हुई है, थोड़ा इस पर बिजनेस चला रहा हूँ। अच्छा, आपका अपना ही बिज़नेस है ये? हाँ, तो ठीक है, वो फेसबुक पे जो ऐड चलते हैं ना, वो चलाएं आप। फेसबुक पे 4-5 बल्कि 10-12 मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स हैं। एक उसमें आता है वो जैसे अली अली बाबा का अक्सर आ रहा होता है, 4-5 प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही होती है, उस पर से किसी भी क्लिक करते हैं वेबसाइट पर ले जाता है वो। एक वीडियो के दरमियान में आता है, एक पोस्ट होती है, एक इमेज होती है, 10-12 किस्म के एड्स हैं। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद कर लें फेसबुक पर एडवर्टाइज़मेंट, वरना जो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग करके होते हैं लोग, उनसे अभी आप करवा सकते हैं। तो अच्छा, फिर सिर्फ फेसबुक नहीं है, फिर इंस्टाग्राम भी है, फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे लिंक्डइन वगैरह ये, लेकिन इसकी तो मार्केटिंग ज़ाहिर है लिंक्डइन पे नहीं होगी, इसकी इंस्टाग्राम पे होगी मार्केटिंग गालबन। तो वो आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे कि इस वाले वेबसाइट का जो जो कंटेंट है, जो इसमें चीज़ें हो रही हैं, इसकी मार्केटिंग बेस्ट प्लेस कौन सा वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग जो है ना ड्रेस कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे होगी, और फेसबुक पे तो ज़ाहिर है कॉमन है, फेसबुक तो सभी लोग यूज़ करते हैं। और आपकी व्हाट्सएप भी अब करने वाला है, एडवर्टाइजमेंट अलाउ करने वाला है थोड़े दिनों बस। ग्रुप पे मेरा खुद का इसके नाम से, टिक के नाम से ग्रुप चला रहा हूं ब्रॉडकास्ट। अच्छा, उसके अलावा टिकटॉक पे इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, टिकटॉक ने भी एडवर्टाइजमेंट ऑन कर दी है ना, तो वहाँ पे भी हो सकती है इसकी। वेल, अच्छा बनाया आपने। अच्छा, तस्मिया हुसैन ने ये सवाल पूछा है कि लास्ट क्लास की कोडिंग समझा दें। अच्छा, लास्ट क्लास की कोडिंग मैं पूरी तो ज़ाहिर है रिपीट नहीं कर सकता, वो लंबी है, तो आप प्लीज़ अपना माइक ओपन करके बता दें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ताकि उस पर फिर वो समझा दूँ आपको मैं। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी तस्मिया? अच्छा, मेरा ख्याल है ये डिसकनेक्टेड है। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं अब एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, और गाइड में हम आ जाते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस के अंदर जो है ना, गाइड में ये देखें, ये पूरा ही मौजूद है तकरीबन, जो भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं ना, वो सब मौजूद हैं इसमें। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस का वर्जन, वो हम पढ़ रहे हैं 4, ठीक है, अभी 5 भी इसका आने वाला है, लेकिन वो बीटा में है अभी, तो अभी उसको छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, ये हम आ गए रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, ये मैं कहाँ पर आया हूँ, API रेफरेंस में, और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, और उसके नीचे एक है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का क्या चक्कर है, ठीक है। गाइड में भी यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का होना चाहिए था एक। वेल, अच्छा, तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने ड्राइंग बना के दिखाया था कि एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से उठती है, और बल्कि मैं दोबारा वो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, एक वाइड स्क्रीन मॉनिटर बना दिया मैंने यहाँ पे, और ये आपका जो है ना सर्वर है मिसाल के तौर पे। तो अब यहाँ से जब रिक्वेस्ट उठ के जाती है ना यहाँ पे, तो यहाँ से जो कुछ भी मैंने भेजा है क्लाइंट के पास से, मैंने जो कुछ भी लिख के भेजा है, वो सारी चीज़ें मुझे कहाँ पे मिलती हैं? ये एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है असल में, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तैयार होता है यहाँ से, वो हमें पता नहीं चलता, वो बैकग्राउंड में हो रहा होता है। जब हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट बनाते हैं, रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, और उसको सर्वर पे भेजने के लिए, यानी एक्सियोस के ज़रिए जो हम भेज रहे होते हैं, उसकी बात हो रही है, तो वो एक रिक्वेस्ट का ना ऑब्जेक्ट तैयार होता है, ठीक है। अब उस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो क्लाइंट के पास से सर्वर की तरफ रवाना हो रही हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो कि क्या URL कॉल कर रहा है बंदा, एक तो ये हुआ ना कि भाई sysborg.com, अब स्लैश लगा के प्रोफाइल कर रहा है या स्लैश लगा के मेन्यू कर रहा है, तो वो चीज़ होती है। उसके अलावा पैरामीटर्स में क्या भेजा है,
ठीक है, जैसे यू आर एल पैरामीटर लास्ट हमने सीखा था कि यू आर एल में भी पैरामीटर जा सकते हैं, तो उसमें क्या भेजा है बंदे ने। फिर इसी तरीके से बॉडी में अगर कोई डेटा भेजा है, ठीक है, बॉडी में अगर कोई डेटा भेजा है तो वो क्या भेजा है, तो वो सारी चीज़ें ना ये रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है ना, यहाँ पे हम आते हैं ना, ये देखें रिक्वेस्ट के अंदर मिलता है मुझे। अच्छा, बॉडी अगर मुझे लेनी है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही है। अगर मुझे पैरामीटर लेने हैं तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रिक्वेस्ट जो होती है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, तो इसमें और क्या क्या होता है। ये दो चीज़ें तो हमने देख ली ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ये हमने दो चीज़ें देख ली। इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि अब जैसे देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब कह रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंटेन्स की वैल्यू पेयर ऑफ डेटा सबमिटेड इन रिक्वेस्ट बॉडी, बाई डिफॉल्ट इट इज़ अनडिफाइंड एंड इट्स पॉपुलेटेड व्हेन यूज बॉडी पार्सिंग मिडलवेयर सच एज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, कह रहा है कि भाई आपको जो है ना बॉडी के अंदर जो भी यूज़र ने भेजा है वो आपको इसके अंदर मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। अच्छा, लेकिन शुरू में क्या होता है, ये शुरू में अनडिफाइन होता है, आपको एक्सप्रेस डॉट जेसन का ना मिडलवेयर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये देख रहे हो एक्सप्रेस डॉट जेसन का मिडलवेयर इसने लगाया हुआ है, ये हमने भी लगाया है। ठीक है, तो ये मिडलवेयर आपको लगाना पड़ता है, ये हम अपने कोड में देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ है, ये हमारे कोड में ये लगा हुआ है, एक लाइन का कोड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसको इंस्टॉल भी नहीं करना होता, ये एक्सप्रेस का अपना है। तो हमने ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देख लिया। अच्छा, अब उसके अलावा ना देखो रिक्वेस्ट डॉट आईपी, कि किस आईपी से रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, कि वो यूआरएल कौन सा था जिस पर रिक्वेस्ट भेजी थी यूज़र ने। वैसे तो मेरा हिट वही होगा जो यूआरएल पे लगा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मैं जो है ना आपको यहाँ पे इसको कॉपी करके ना इसका लिंक, और वो लिंक भी मैं कहाँ पे लगा देता हूँ, वो लिंक जहाँ पे मैंने ये पहली दफ़ा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को एक्सेस किया ना, यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, ताकि आप बाद में भी कभी आएँ तो आपको ये पता चल जाए कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस जगह से मैं देख सकता हूँ जाके। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना, जैसे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर मैं आ जाता हूँ, देखो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट नेम, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ये काम क्या करता है, और इसकी एग्जांपल भी दी हुई है चला के कि ये चलता कैसे। ठीक है, अच्छा, फिर रिक्वेस्ट डॉट पाथ है। अब जाहिर है ये सारी चीज़ें कवर करना अभी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ें, एक दो और, जैसे क्वेरी है, ये क्वेरी भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अभी। अच्छा, क्वेरी क्या करता है, क्वेरी में ये होता है कि आपको ना अगर कोई ऐसा डेटा भेजना है सर्वर पे जो बॉडी में आप नहीं रखना चाहते, आप उसको ओपन रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ यूट्यूब के इस पे जाऊँ चैनल पे, तो अब ये मेरे पास ना मेरे सामने वीडियोस खुली हुई हैं सारी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आके नेक्स्ट करता हूँ ना, तो ये पेज नंबर 2 पे चला गया मैं। अब तो ये यूआरएल में भी इसका पार्ट आया होगा कि पेज नंबर 2 में ये चला गया। ठीक है, इसको मैं अगर, असल में ये यूआरएल काफ़ी लंबा आ रहा है तो पता नहीं चल रहा उसकी वजह से, प्लेलिस्ट में जाता हूँ कहीं, देखो प्लेलिस्ट है अब, बल्कि नहीं प्लेलिस्ट में ही आएगा, खैर हम अलग से इसको करके देख लेते हैं। तो हम ना क्वेरी पैरामीटर्स में भी डेटा भेज सकते हैं। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर में हम जो भी डेटा भेजते हैं वो भी यूआरएल का पार्ट बन के जाता है और वो पब्लिक होता है, रास्ते में जाते हुए उसको कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है ना आपका रिस्पॉन्स में की तरफ हम चलते हैं। अब रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने सिर्फ अभी एक चीज़ की है रिस्पॉन्स में, हमने क्या किया है रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, तो पहले तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड को ही देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या क्या कुछ कर सकता है। अभी हमने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या डाल के भेजा था, नंबर एक हमने स्ट्रिंग डाल के भेजा था, सही है, और नंबर दो हमने क्या डाल के भेजा था, जेसॉन, ये वाला। अच्छा, इसमें आप बफर भी भेज सकते हैं, इसमें आप फाइल भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो स्टेटस के साथ भी भेज सकते हैं। अच्छा, ये स्टेटस क्या चीज़ होती है, स्टेटस ये होता है कि जब हम सर्वर से रिस्पॉन्स भेजते हैं ना, तो साथ में उसका एक स्टेटस भी भेजते हैं। अगर हम कोई स्टेटस नहीं भेजते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 200 ले रहा होता है ना ऑटोमेटिकली। 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल रहा, सब कुछ ओके रहा। ठीक है, 404 का मतलब होता है कि भाई एरर आ गया। तो इसको भी हम ज़रा लिस्ट देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम HTTP स्टेटस कोड। ठीक है,
ये लिंक आ गया, HTTP स्टेटस कोड। अच्छा तो इसमें ना ये सारे होते हैं, 100 से लेके और 599 तक ये होता है। अच्छा तो सबसे पहले 100 वाले में चलते हैं। 100 वाला जो होता है ना, वो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, कि रिस्पॉन्स में कोई डेटा नहीं आया बट इन्फॉर्मेशन आई है कुछ। अच्छा 100 का मतलब है कंटिन्यू, 101 का मतलब है स्विचिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो 100 वाले तो बहुत कम ही लगा रहे होते हैं हम आमतौर पर। अब ये 200 से शुरू होता है सक्सेसफुल, ठीक है, 200 का मतलब है ओके, 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे ना, यूज़र को जब हम पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट का जो रिस्पॉन्स होगा ना, उसमें हम स्टेटस 201 डालते हैं, ठीक है। ये यूज़र को जो पोस्ट किया है मैंने, इसमें मैं क्या डालूँगा, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे लिखूँगा 201 और फिर करूँगा सेंड, ठीक है। तो ये स्टेटस भी मुझे भेजना होता है। अच्छा ये स्टेटस मुझे दिखता कहाँ पर है, मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, खुल जा भाई पोस्टमैन। अच्छा देखो ये पोस्टमैन की रिक्वेस्ट है ना। अब यहाँ पे मैंने ये यूज़र को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट मारी, इसको सेंड। अच्छा ये पहली दफ़ा मैं मार रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो वो काफ़ी स्लो आता है। देखो अब क्या हुआ, रिस्पॉन्स जो आया ना मेरे पास, उसका स्टेटस क्या था, 200। रिस्पॉन्स जो मेरे पास आया सर्वर से, उसका स्टेटस 200 है और यहाँ लिखा हुआ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो यूज़र नॉट फाउंड पे जो है ना, वो 200 रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए देख लेते हैं हम आगे। 202 एक्सेप्टेड, 203 नॉन ऑथोरेटिव इन्फॉर्मेशन, 204 नो कंटेंट, देयर इज़ नो कंटेंट टू सेंड फॉर दिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे 204 होना चाहिए, ठीक है, कि जो चीज़ आपने मंगवाई थी वो मिली नहीं है, ठीक है। 204 भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं और नॉट फाउंड 404 भी लगा सकते हैं। अच्छा तो ये सारे सक्सेस के रिस्पॉन्स हैं ना ये वाले। अच्छा उसके बाद है रिडायरेक्शन के मैसेजेस हैं, ये 300 वाले सारे रिडायरेक्शन के हैं, कि जो रिसोर्स आपने एक्सेस की थी वो अब मौजूद नहीं है, अब उस अब कहीं और आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे वो वाले रिस्पॉन्सेज हैं। अच्छा सर यहाँ पे क्या ये जो है स्टेटस की लिस्ट, ये क्या हाँ सर्वर बेस पे चल रही है ना, सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है कि यार ये काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। हाँ हाँ जी जी मैं सही सोच रहा हूँ? हाँ, असल में देखें सर्वर से कोड भेजना क्यों ज़रूरी है, आप असल में शायद आपका ये सवाल है कि सर सर्वर। बाकी मेरे जहन में जा रहा था कि फिर हमें यहाँ पे इफ एंड एल्स की कमांड नहीं लगानी चाहिए कि यार ये कोड होगा तो मैं ये रिस्पॉन्स देना है और ये होगा तो नहीं मैं ये नहीं नहीं रिजल्ट नहीं देना नहीं है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें ये जो रिक्वेस्ट आई थी ना यहाँ पे, इसने बोला कि भाई मुझे डेटाबेस से ना यूज़र नंबर 242 निकाल के ला के दो। रिक्वेस्ट में ये बोला जा रहा है यूज़र नंबर 242 मुझे निकाल के ला के दो। अब जब ये यहाँ पहुँचेगी ना रिक्वेस्ट सर्वर पे, ठीक है, सर्वर पे जब रिक्वेस्ट पहुँचेगी तो सर्वर उसको डेटाबेस में ढूंढेगा। अब मिला या नहीं मिला या जो भी हुआ, ठीक है, अब सर्वर जो है ना एक रिस्पॉन्स भेजेगा जेसन, सही है, एक तो रिस्पॉन्स भेजेगा जेसन, उसमें यूज़र होगा या नहीं होगा कुछ ना कुछ होगा, साथ में ना एक कोड भी भेजेगा, सही है। सब कोड उससे रिलेटेड भेजेगा ना, जो हाँ उसके साथ हाँ मामला हुआ जो है। जो हुआ है ना उसके साथ, उसके उसके अकॉर्डिंगली वो कोड भी भेजेगा एक, ठीक है ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो यूज़र नहीं मिला तो वो एम्प्टी एरे तो भेजेगा साथ में, एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो भेजेगा, लेकिन साथ में लिखेगा 404 नॉट फाउंड। सर सर मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुआ हूँ कि वो आपने वहाँ पे बाइट कोड मेंशन कर दिया कि 20 तुम्हें 202 वहाँ भेजना है, हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वहाँ के सर्वर से तो ऑटोमेटिक एक जो है वो रिस्पॉन्स आना चाहिए, हाँ जिसको मैं इफ एंड एल्स के हवाले से वहाँ पे क्लाइंट किसी की तरफ मूव करना चाहिए। अच्छा इफ एल्स जो है ना, आपके अच्छा इफ एल्स इसमें आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर। अभी हम जितने भी रिस्पॉन्स है ना अभी हमारे, उन सब रिस्पॉन्स पे हम क्या करते हैं, अभी हम सब पे ये रिस्पॉन्स का कोड भी लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे इफ़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है हमें, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अच्छा 401 अनऑथराइज, ठीक है, ये अनऑथेंटिकेटेड भी बोलते हैं, जैसे बंदा कोई लॉगिन नहीं है लेकिन वो यूज़र गेट करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले हम लॉगिन चेक करते हैं, हम बोलते हैं यार ये बंदा तो लॉगिन ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं 401 हो आप, ठीक है, हम उसको डेटा नहीं भेजते, 401 का स्टेटस भेज देते हैं, ठीक है।
अच्छा 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, कोई ऐसी एपीआई हिट कर रहा है बंदा जिसमें पेमेंट नहीं की भी उसने, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड भी है सब कुछ है, लेकिन उसका कार्ड एक्सपायर हो गया या कुछ हुआ है तो 402 भेजते हैं उसको हम। 403 फॉरबिडन, ठीक है, क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस राइट्स टू द कंटेंट, कि भाई फोर सब जीरो कुछ टू आपके ओके काम है, का लग रहा है मुझे। हाँ सब कुछ ओके है, मतलब पेमेंट भी की हुई है सब कुछ किया हुआ है, लेकिन यूज़र को स्टिल उसका राइट नहीं है, तो 403 है ये। 404 नॉट फाउंड अक्सर ही आपको देखने को मिलता है, 404 वो मैसेज है जो सब लोगों ने देखा हुआ होगा, समटाइम कोई हम पेज लिखते हैं तो सामने 404 आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं गिटहब डॉट कॉम पर अगर जाता हूँ, गिटहब डॉट कॉम पर मैंने जाके ये अपनी प्रोफाइल ओपन की, ठीक है, अब ये यूज़र नेम अगर मैं गलत लिख दूँ ना, मैंने कहा यार ABC, तो ये बोलेगा नॉट फाउंड, अरे ABC नाम से बंदा है मैं अपनी ही डिलीटेड प्रोफाइल लिख देता हूँ, ये लो वन हटा दिया मैंने, ये जो प्रोफाइल है ये मेरी प्रोफाइल है, डिलीट हो चुकी है ये, या 404 सही है कि भाई ये प्रोफाइल नॉट फाउंड है, क्योंकि ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया था मेरा अकाउंट ये वाला। अच्छा तो इस तरह ये सारा है। अब देखें ये जो 421 422 तक ये लेकर गए ना, 451 तक है, 451 के बाद ना आप अपने हिसाब से जो भी रिक्वेस्ट आपको बनानी है ना वो आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ख़ुद की एक लिस्ट अगर बना लेते हैं ये वाले कोड की, कि भाई अगर 455 है तो उसका मतलब ये है, 456 है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी हो सकती है ना चीज़ें। मिसाल के तौर पे जैसे ऊबर की अगर ऐप है तो उसमें अगर एक API हिट हो रही है कि आप राइड बुक करो, राइड बुक करने की API हिट हो रही है, तो हम ये चेक करेंगे ना कि पहले से इस बंदे ने राइड बुक की हुई है, तो उसका हमें कोड बना सकते हैं कि भाई राइड ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो मैंने कहा भाई 455 राइड ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, ये एरर का मैसेज है, तो मैं अपना भी बना सकता हूँ, जितना मैं चाहूँ अपना बना सकता हूँ। अच्छा उसके बाद है कि सर्वर की साइड से अगर प्रॉब्लम होगी तो सर्वर क्या भेजेगा, 500 का मतलब होता है कि इंटरनल सर्वर एरर है, यानी सर्वर के अंदर कोई हार्ड ड्राइव वगैरह फेल हो गई है, कोई इंटरनेट का मसला हो गया है, तो वो आपको एरर देगा 500, ठीक है। इसी तरह 502, 502 बैड गेटवे, कि आप जहाँ जाना चाह रहे हैं ना वो जगह अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, गेटवे नहीं मिल रहा उसको। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसको आप देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा आम तौर पे जो हमारे यहाँ जूनियर डेवलपर्स हैं ना वो तो ये लगाते ही नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने अभी भेजा हुआ है ना, अभी मैंने क्या भेजा है, टेक्स्ट मैसेज भेजा मैं, टेक्स्ट मैसेज भी सही है, टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है आपको ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोड लगा देंगे टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजेंगे आप, आपको टेक्स्ट मैसेज भी भेजना होता है, ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए, जाहिर है कोड तो नहीं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा बंदा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे अपने, 201 मैंने बोल दिया, अब गेट किया बंदे ने, गेट की सूरत में मैं बोलूँगा कि अगर तो यूज़र मिल गया है तो तब तो 200 है, तब तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर यूज़र नहीं मिला तो मैंने कहा कि स्टेटस 404, ठीक है, 404 वैसे मुनासिब नहीं आया, यहाँ पर 203 आएगा, वो जो क्या था वो यूज़र नो कंटेंट वाला, खैर चलो 404 लगा देते हैं, ठीक है, सर वो 204 था। 204 था वो। तो सर ये स्टेटस जब हम भेजेंगे तो वो खुद ही ब्राउजर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये सामने से स्टेटस आ रहा ब्राउज़र है। कंटेंट आइडेंटिफाई नहीं करेगा ब्राउज़र, अभी वो बताता हूँ वो कैसे होगा, वो क्या होगा उसका वो भी बताता हूँ मैं, ब्राउज़र खुद से क्यों आइडेंटिफाई करेगा, ब्राउज़र को थोड़ी कुछ पता है। वो हमें जब रिस्पॉन्स मिलेगा ना जब API का, तो रिस्पॉन्स के साथ साथ एक तो होता है ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एक होता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, तो हम स्टेटस कोड पे इफ एल्स, असल में ना हम स्टेटस कोड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, हम डेटा पे नहीं लगाते इफ एल्स। हम अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है या नहीं है तो हम बोलते हैं कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल्स टू 200 तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल रहा, अगर 200 के अलावा कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं नहीं यार सक्सेसफुल ये नहीं रहा है। अच्छा ये हमारे पास क्या है भाई, पुट है, एडिट करना चाह रहे हैं हम, यूज़र नॉट फाउंड, यहाँ पे भी स्टेटस क्या लगेगा 204, ठीक है, देख रहे हो अलग से ही फाइल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने भेजा हुआ है रिस्पॉन्स, बस स्टेटस ऐड करना था इसके अंदर मुझे, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड यहाँ पे भी
अच्छा इसको मैं दो अलग अलग लाइनों में भी कर सकता हूँ बाय द वे, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये दो अलग अलग लाइनों में भी कर सकता हूँ मैं, और एक लाइन में भी कर सकता हूँ, दोनों सही तरीका है। अच्छा यूज़र इज़ डिलीटेड, डिलीटेड का, डिलीटेड का भी शायद यहाँ पे एक था बनाया हुआ था इन्होंने, नहीं डिलीटेड नहीं बनाया हुआ, तो इसको 200 ही रहने देते हैं, ठीक है, ये तो हमने वैसे ही बनाया हुआ था दोनों, तो हमने जितने भी रिस्पॉन्स है सब में स्टेटस ऐड कर दिया। सॉरी एक बात काट रहा हूँ, वो 410 गॉन के नाम से शायद, 410 सर देख लीजिएगा, दिस रिस्पॉन्स इज सेंट वेन द रिक्वेस्टेड कॉन्टेंट हैज़ बिन परमानेंटली डिलीटेड फ्राम सर्वर। अच्छा ये उस सूरत में है ना कि कोई ऐसी चीज़ आप गेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिलीट किया जा चुका है, तो उसके लिए 410 है, ठीक है, ये डिलीट करते वक्त के लिए नहीं है। वेल तो हमने ये सारा ना स्टेटस कोड ऐड कर दिया, अब इसको स्टेटस कोड को ऐड करने के बाद ना मैं क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ को मैं हरिको पे भेज देता हूँ, ठीक है, हरिको पे मैं कैसे भेजूँगा, वो मेरी एक रिपॉजिटरी थी ना जिसके अंदर ये मैंने बनाया हुआ था, क्या नाम था उसका, उसमें रखूँगा और उसमें पुश करूँगा तो ही चला जाएगा, रेस्टफुल API ये नाम था उसका, सेव किया मैंने और मैंने कहा भाई चलो कोड एडिट, ठीक है, ओरिजिनल तो मैंने यही रिपॉजिटरी बनाई थी ना ये रेस्टफुल API के नाम से, बाद में मैंने उसको अपने क्लास वाले कोड में यहाँ पे फोल्डर में उठा के पेस्ट कर दिया था बाद में, तो अब जो है वो होपफुली क्या हो गई होगी, जाता हूँ मैं हरिको पे भी ज़रा नज़र मार लेता हूँ, सर जब तक पुश हो रहा है एक चीज़ बताइएगा, ये वेदर का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था ना उसमें वेदर API की की यूज़ की थी, तो वो ट्रायल एंड होने पर वो इनवैलिड हो गई है, तो क्या इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है कि, सॉरी कौन सी की बात कर रहे हैं, ये जो वेदर का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें weatherapi.com से वो जो की ली थी हमने, की जनरेट की थी, वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना वो कहा कि ट्रायल पीरियड एंड हो गया और आपकी की जो है वैलिड नहीं है, तो नहीं यार तो ऐसा, वो प्रोजेक्ट फिर अब वर्क नहीं करेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अच्छा मेरे पास तो ईमेल आई है वेदर API से, मेरे साथ भी यही हुआ है, दो अकाउंट बनाए थे दोनों के वो एक्सपायर्ड हो गए, फिर नया अकाउंट बना के वो टेम्परेरी तौर पर लेना पड़ा है, नहीं दस तो चलेगी बंद हो जाएगी, तो सर इसका कोई है हल, नहीं नहीं वेदर सर मेरे साथ भी हुआ है, वेदर API पे जाता हूँ ना मैं, ये तो फ्री API है बिल्कुल, प्राइसिंग में जाता हूँ, देखता फ्री है, उन्होंने कोई ट्रायल पीरियड मेंशन भी नहीं किया हुआ, लेकिन ईमेल आई है कि आपका ट्रायल पीरियड एंड हो गया, सर आपका अकाउंट शायद पुराना है, आप नया अकाउंट बना के देखें आपको मसला आएगा, नहीं मैं लॉगिन सर वो स्टार्टिंग में जो ना 14 दिन का ट्रायल देता है, उसके बाद फिर वो एक्सपायर कर जाता है, ये रहा ना फ्री प्लान, ये फ्री प्लान लिखा हुआ आ रहा है किसी के पास आप में से, जी जी आ रहा है, हाँ तो बस ये फ्री प्लान ही है, जी सर आ रहा है, सर आ रहा है, तो अगर ये की भी लिखी भी आ रही होगी साथ में आपके पास, अगर ये की नई लिखी भी आ रही है, या असल में समटाइम पता है क्या होता है, ये की अगर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर वो उसको एक्सपायर कर देते हैं, तो मैं भी यही करता हूँ कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना तो उसको रीजनरेट का यहाँ पर बटन बना लेता हूँ, सही है, रीजनरेट करेंगे तो आप ये की दूसरी आपको बना के दे देगा ये, और ये की के आगे लिखा हुआ ना लाइव, इसका मतलब है ये की काम करेगी अभी फ़िलहाल, अब मुझे नहीं पता मैंने लाइव के अलावा कोई और स्टेटस देखा नहीं है इसका, आपके पास शायद ये एक्सपायर या रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा होगा मे बी, असल में जो ईमेल आई है ना उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका ट्रायल पीरियड जो है वो एंड हो गया, तो सर मेरे पास प्रो प्लस प्लान आ रहा है, प्रो प्लस आ रहा है ना तो उसको आप चेंज कर दें, फ्री पे कर दें, चेंज भी तो नहीं हो रहा, हाँ तो बस फिर आप नया अकाउंट बनाइएगा उसको प्रो प्लस पे मत कीजिएगा, फ्री पे करिएगा, सर इससे पूछा ही नहीं है, दूसरा अकाउंट बनाया उस पर भी यही हुआ इसने, अच्छा ऑटोमेटिक जाके ले आया है, आप हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ नया अकाउंट, हाँ स्क्रीन शेयर करें, जरा स्क्रीन शेयर करें, सॉरी
अब 2 मिनट में खाली वो नया अकाउंट क्रिएट कर। नहीं, आप ऐसे स्क्रीन शेयर करके क्रिएट करें। ओके, ताकि मैं भी देखूँ ना क्या सीन है। मैं तो बड़े मज़े से ये API पढ़ाता जा रहा हूँ सबको। ओपन वेदर API शायद वो ऐसा नहीं करते। नहीं, ओपन वेदर में तो बड़े मसले अभी हुए हैं, उन्होंने रिसेंटली चेंज किया है अपना। उसमें होता ये है कि जो फ्री वाला है ना, उसमें सिर्फ एक API कॉल होती है, बाकी सारी पेड में कर दी है उन्होंने। इसलिए अब ये डिसेबल लिखा हुआ है ना। हाँ, चलें साइन अप कर लेने हैं। ये असल में पूछेगा आपसे ट्रेल के लिए ना किसी पॉइंट पर, तो आपने इसको बोलना है नहीं। सर मेरा लिखा हुआ है ट्रायल एंड ऑन 13 अगस्त। अच्छा, सही था। अभी तो कोई कुछ पूछा नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर टॉप पे जो है ना 14 डे ट्रायल ही लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहली लाइन में देखेंगे तो उसमें 14 डे ट्रायल लिखा हुआ आ रहा फ्री का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा आपको ये। हाँ, फ्री वाला हटा दिया है। बिलिंग में भी जरा जाके देखिएगा, बिलिंग में कोई आ रहा है यार ये क्या सीन है? कहा था उसका फ्री लिखा हुआ आ रहा है, या तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करे कि ये क्या पुराना अकाउंट था उसका। सर देखिए ये आ रहा है। अच्छा, मेरे पास तो फ्री आ रहा है लिखा हुआ। सर वो पुराना अकाउंट होगा या तो। यार ये पता नहीं क्या इन्होंने हरकत की है। सर मेरा देखें आप, दिखाओ। सर मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर की भी मैंने। हाँ हाँ, यही आ रहा है उस पर भी, यही आ रहा है। अच्छा, ये रीजनरेट ज़रा करो सारे, तुम नीचे रीजनरेट का ऑप्शन है ना, आई एग्री। अभी अभी किया मैंने। आई एग्री पे क्लिक करो और रीजनरेट का बटन दबाओ। देखो मेरे सामने करो, देखें सर। रिफ्रेश करो पेज। सर वही है सब। अबे यार ये तो पता नहीं क्या किया इन्होंने। अच्छा, तो वेदर की ना देखो, फ्री API भी बहुत सारी होती है ना, सिर्फ एक नहीं है ये। तो सर्च करते हैं कोई फ्री वेदर API। ये सर ये अच्छा पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बन गया था, बड़ा लाइट वेट खूबसूरत सा। हाँ। वो बंद हो गया चलते चलते। ओपन वेदर मैप जो है ना, इसके अंदर तो वही मसला है कि इसमें सिर्फ एक API है जो चलती है फ्री में, बाकी सारी पेड कर दी है इन्होंने। अच्छा, ये हो गई ये वाली एक। ओके, वेदर मैंने जो अपनी लगाई थी API दूसरी लगाई थी, मैं आपको दिखाऊं। हाँ, वेदर स्टैक एक नाम से आया। हाँ, वो वाली API का लिंक भेजो, वेदर स्टैक के नाम से एक आ रहा है। इसकी प्राइसिंग चेक करता हूँ मैं क्या है। सर भेजता हूँ मैं। फ्री में 250 कॉल बता रहा है, रियल टाइम वेदर। मैंने भी जब दूसरी लगाई थी, दिखा दूँ तो। नाम बताओ बस उसका। वेल, मैंने ये अभी ढूंढ लिया एक फ्री वेदर API, मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को। सेकंड में बताता हूँ, ठीक है। वेदर स्टैक, ये जो है ना कह रहे हैं कि भाई 250 कॉल कर सकते हैं आप एक मंथ में, सिर्फ कम है, काफ़ी है, ठीक है। किसी ने ज़्यादा आपके यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अगले महीने लेकिन दोबारा चल पड़ेगा। और रियल टाइम वेदर ये गेट करता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी गेट नहीं। अच्छा, ये बाय द वे ओपन वेदर वाले भी ना सिर्फ रियल टाइम वेदर ही गेट करवा रहे थे।
ओपन वेदर मैप को भी देख लेते हैं ना प्राइसिंग इनकी, के फ्री वाले में ये क्या गेट कर रहा है। अगर एपीआई की हम चेंज करेंगे, हाँ एपीआई चेंज करेंगे तो इसमें से जो रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ रिस्पांस का जो ऑब्जेक्ट है ना, जो जो मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में जो क्लाउड आते थे, टेम्परेचर आता था, जाहिर है वो ये जिस नाम से भेज रहे हैं वो उस नाम से मिलेगा फिर आपको, मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अच्छा ये देखें आपको ना फ्री में ये ओपन वेदर मैप वाले जो हैं वो क्या दे रहे हैं, फ्री में आपको दे रहे हैं 60 कॉल्स पर मिनट और तकरीबन 10 लाख पर मंथ ये दे रहे हैं आपको। अच्छा इसमें क्या क्या मिलता है, करंट वेदर मिलता है आपको यानी रियल टाइम वाला जो वेदर है, और 3 आवर्स फॉरकास्ट मिलता है आपको, ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। ठीक है बस ये दो चीज़ें मिलती हैं। वेल तो फिर आप इसका मतलब है ओपन वेदर मैप भी यूज़ करें या ये वेदर स्टैक यूज़ करें, असल में एक ही बात है, फिर ओपन वेदर मैप यूज़ कर लो यार ये ज़्यादा सही है। हाँ ये ओपन वेदर मैप आपने भेजा ना, मैंने ओपन वेदर मैप ही लगाया। हाँ सही है ओपन वेदर मैप लगा लो यार, क्योंकि जिसकी वजह से हमने ये इधर मूव किया था ना तो वो मकसद तो फौत हो गया। सर मेरी भी वही है। मेरे पास यार फ्री क्यों आ रहा है, मैंने इनका ऐसा क्या किया है, अजीब सी बात है ये बहुत। सर आप सीनियर हैं ना इनको तो नहीं पता है ना कि मैं सीनियर हूँ या क्या हूँ, मेरे पास फ्री आ रहा है, मेरे पास ये 10 लाख कॉल पर मंथ की ये दिखा रहा है फ्री है। सर आपकी न्यूज़ देख ली होगी उन्होंने चलो खैर अच्छा तो मैं ये हरिको पे आ जाता हूँ, और हरिको पे आके मुझे देखना है तो मैं एक्टिविटी में जाऊँगा तो मुझे दिख जाएगा कि टुडे 8:58 PM पे जो है ना डिप्लॉय हो गया ये 8:58 यानी अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले। अच्छा तो अब मैं हिट करूँगा तो मुझे वो अपडेटेड मिलना चाहिए। देखो अब मैं जब ये हिट करूँगा ना, ये यूज़र तो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये कल हमने बनाया था वेरिएबल में था, वेरिएबल तोड़ जाते हैं। अब मैं भेजूँगा तो 200 नहीं आएगा, यहाँ पे देखना कुछ और, ये 204 आया है, जो मैंने भेजा था वो आया है, सही है। अच्छा अब यूज़र जब मैं क्रिएट करूँगा, मैंने कहा स्लैश यूज़र और पोस्ट, और यूज़र जब मैं क्रिएट करूँगा सेंड, ये क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र, तो देखो 201 आया, जो मैंने भेजा था ना वो आया, ठीक है जो मैंने भेजा था वो आया। इसके हेडर्स में क्या आ रहा है, हेडर में तो वो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं वो आ रही होती हैं कि कंटेंट जो सर्वर से आया है वो क्या आया है, HTML टेक्स्ट। अच्छा वो पैकेट नहीं दिखाया है ये जो लेके जा रहा है या लेके आ रहा है, वो पैकेट कौन सा जो लेके आ रहा है समझा नहीं मैं, मतलब जो रिस्पांस के अंदर जो बताया था ना भाई, ये डाटा लेके जाता है और फिर रिस्पांस में उसी पैकेट में लेके आता है। हाँ तो देखें ना वही तो पैकेट है इसका, देखें ये रिक्वेस्ट है ऊपर वाला, रिक्वेस्ट के अंदर भी हेडर है, सही है ये सारे हेडर रिक्वेस्ट के अंदर भी आप जा रहे हैं, देखें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है और वही चीज़ यहाँ पे देखें हेडर वापस भी आ रहे हैं, सही है। बॉडी यहाँ से भेजता हूँ मैं, बॉडी में कुछ रख के भेजता हूँ, फिर वही बॉडी में यहाँ पे वापस रिस्पॉन्स भी आता है, तो पैकेट तो एक ही है वो, असल में वही पैकेट जाता है वही घूम के वापस आता है मॉडिफाई होके, ठीक है। अच्छा जी अच्छा ये बॉडी को दिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं, रॉ है, प्रीव्यू है, विजुअलाइज है, प्रिटी है, प्रिटी सबसे सही है जेसन वगैरह के लिए आमतौर पर। अच्छा तो ये हमने देखा कि यार रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी यूज़र ने मुझे भेजा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैं यहाँ पे ना अगर request.ip लगाऊंगा, जब रिक्वेस्ट के अंदर आईपी भी एक आ रही थी और सब चीज़ें आ रही थी, यूज़र का जो प्लेटफॉर्म है, यूज़र के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है आईपी, होस्ट नेम, एवरीथिंग, ठीक है जी। अच्छा मेथड में हमने अभी तक क्या देख लिया है, सॉरी रिस्पांस के अंदर हमने क्या देख लिया अभी तक, रिस्पांस डॉट हमने सेंड देख लिया है, ठीक है। अच्छा रिस्पांस डॉट सेंड के अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो रिस्पांस डॉट सेंड फाइल है, ठीक है। सेंड फाइल के अंदर आप कोई JPG फाइल या कोई वीडियो की फ़ाइल, ये चीज़ें आप भेज सकते हैं। जब किसी भी आप गेम वगैरह की साइट पे जाते हैं ना, आप डाउनलोड का बटन दबाते हैं
या गूगल क्रोम की साइट पे जाके आप कहते हैं डाउनलोड गूगल क्रोम, तो वो असल में सेंड फाइल आपको कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंड फाइल करने से चीज़ वो असल में आ जाती है उठ के सर्वर से और डाउनलोड हो जाती है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी हमने देख लिया। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं वो थोड़ी कम इस्तेमाल होती हैं, जैसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम सिर्फ उस सूरत में भेजते हैं जब हमें जेसन भेजना होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं लगाते हैं, हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड लगाते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि उसकी टाइप क्या है। देखिए ना, चार पाँच तरह की टाइप भेजी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि उसकी टाइप क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो भेज देता है, ठीक है। तो इसमें रिस्पॉन्स डॉट एंड है एक, रिस्पॉन्स डॉट जेसन है एक, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पी है। इन सब के रिप्लेसमेंट में हम सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट सेंड को इस्तेमाल करते हैं और वो खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट है। रिडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप बंदे को रिस्पॉन्स नहीं भेजना चाह रहे बल्कि किसी दूसरे सर्वर पे उसको भेजना चाह रहे हैं रिडायरेक्ट, तो उसके लिए हम रिडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया कि यार हम एक्सप्रेस के सर्वर में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसी के ऊपर ही सारी गेम है इनकी, ठीक है, इसी के अंदर ही सारी गेम हो रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, रिस्पॉन्स डॉट कहाँ गया वो, सेट, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेट में ना, अगर हमें हेडर को मॉडिफाई करना है, हेडर्स के अंदर कोई भी चीज़ जैसे अभी रिस्पॉन्स में ना हेडर भी आता है, ये देखो रिस्पॉन्स में हेडर भी आ रहे होते हैं, कॉन्टेंट टाइप, कॉन्टेंट लेंथ, ये चीज़ें कुछ आ रही हैं। अगर मुझे हेडर में कुछ रख के भेजना है, आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा होता है, लेकिन अगर इसको मॉडिफाई करना है मुझे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेट उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चीज़ें कम यूज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर ना, तो क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर करने के लिए, हाँ, ऑटोमेटिक हो रही होती हैं ज़्यादातर ये चीज़ें। अच्छा, तो ये एक्सप्रेस का सर्वर जो है ना, हमने ऑलमोस्ट इसको ब्रीफली हम सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं कि एक्सप्रेस के सर्वर में क्या क्या चीज़ है। रेंडर का बता दीजिए, हो जाती है रेंडर। हाँ, रेंडर भी एक ऐसा मेथड है जो कम यूज़ होता है, रेंडर भी एक ऐसा मेथड है जो कम यूज़ होता है। रेंडर एज व्यू, सेंड में क्या फ़र्क है? रेंडर में और सेंड में फ़र्क ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक होता है क्लाइंट सर्वर का रिलेशन होता है, एक होता है क्लाइंट सर्वर का, कि रिक्वेस्ट भी जेसन में जाएगी, रिस्पॉन्स भी जेसन में आएगा। लेकिन एक्सप्रेस के सर्वर में ये भी कैपेबिलिटी है कि एक्सप्रेस का सर्वर पूरा एचटीएमएल का पेज भेज सकता है उठा के, पीएचपी की तरह, ठीक है। जैसे पीएचपी होता है ना कि रिक्वेस्ट गई और पूरा एचटीएमएल का पेज उठा के भेजा उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो वो काम भी एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस के पास ये कैपेबिलिटी है। अगर आप एक्सप्रेस को पीएचपी की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे आप, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर व्यू डाल के भेजेंगे आप, ठीक है। अच्छा, व्यू जो होता है ना, उसके लिए फिर एक आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं पूरा पेज एचटीएमएल का, वो भेज सकते हैं आप। उसके अलावा इसकी लाइब्रेरीज भी होती हैं, दैट इज़ ईजेएस के नाम से एक है बड़ी मशहूर थी वो, ईजेएस, और एक और भी है, दो हैं इसकी लाइब्रेरी, बड़ी फेमस है, दोनों और भी हैं वैसे तो, लेकिन दो बड़ी फेमस है। लेकिन हम वो तरीका करना नहीं चाह रहे, हम क्लाइंट सर्वर अलग अलग करेंगे, इसलिए हमने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर को फ़िलहाल रहने दें। वेल, इसमें तो जाहिर है वो चीज़ें हैं ना जो मौजूद हैं, ये मौजूद हैं चीज़ें, ये देख रहे हो, यूजिंग टेम्पलेट इंजन, यहाँ देखते हैं ना, आ जाएगा लिस्ट, आ जाएगी सारी टेम्पलेटिंग इंजन की। हाँ, एक पग के नाम से भी है इसका, ये इतना फेमस नहीं है लेकिन है ये भी, ये शायद गालवन इनका अपना है ये पग से। हाँ, जेड है और एक ईजेएस है, ठीक है, जेड और ईजेएस, ये दोनों बड़े फेमस इसके टेम्पलेटिंग इंजन है। लेकिन हम इसको वो वाला तरीका हम करना नहीं चाह रहे, हम रेस्टफुल सर्वर पढ़ना चाह रहे हैं, रेस्टफुल तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जनाब आ जाते हैं, अच्छा ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो था ना, इसका लिंक मैं लगा देता हूँ, कहाँ पर लगा देता हूँ भाई, वो 200 वाला कहाँ गया, उसको कॉपी कर लेते हैं ना। ये इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस लिंक को, ठीक है, और इस लिंक को कॉपी करके मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, सही है, ताकि आप जब भी इस डॉक्यूमेंट को खोलें तो आपको पता चले ये स्टेटस कोड जो है वो, उसका लिंक यहाँ पे मौजूद है।
अच्छा, और इसको अब हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब जो अगला काम हमने करना है वो हमने करना ये है कि हमने एक बनाना है छोटा सा लॉग इन साइन अप की एक ऐप बनानी है हमें, सही है। अच्छा, तो आज हम लॉग इन साइन अप की ऐप हम वेरिएबल के ज़रिए बना लेते हैं आज, सही है। अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको MongoDB शुरू करेंगे और उस पूरी ऐप को जो लॉग इन साइन अप की ऐप है उसको हम MongoDB पे मूव करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक बना लेता हूँ 6 लॉग इन साइन अप विथ विदाउट डेटाबेस, ठीक है। मैंने लिखा एक्सप्रेस का लॉग इन साइन अप विदाउट डेटाबेस। विदाउट डेटाबेस में हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, तो मैंने असल में क्या किया, उसी पूरी ऐप का जो पहले से बनी हुई ऐप थी उसी की एक कॉपी बना ली है मैंने, ताकि वो वहाँ पे ही सेव रहे, वो कहीं ना जाए, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, ये सारा कुछ उड़ा देते हैं इसके अंदर से, सही है, सारा कुछ इसमें से उड़ा देते हैं और हम एक नए सिरे से लिखते हैं सब कुछ, ठीक है। ये जितने भी पोस्ट की और गेट की रिक्वेस्ट है ना, ये सब उड़ाने जा रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब हम नए सिरे से बनाएंगे, हाथ से लिखेंगे अपने। अच्छा, यूज़र्स के नाम से मेरे पास एक जो है ना, इसको बल्कि यूज़र बेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। यूज़र बेस बोला जाता है डेटाबेस का वो हिस्सा जहाँ पे यूज़र सारे सेव हुए होते हैं, उसको हम यूज़र बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यूज़र बेस बोला है। अच्छा, यूज़र बेस मैंने एक वेरिएबल तैयार कर लिया है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या होगा, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। और ऐप डॉट पोस्ट के अंदर मैं URL का नाम क्या रख रहा हूँ, स्लैश साइन अप रखूँगा मैं नाम, ठीक है, स्लैश साइन अप इसका मैंने नाम रखा और इसको मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं नाम यूज़र भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म URL वाला हम पार्ट अगर फॉलो करें तो इसका नाम यूज़र होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं चलो यूज़र रख देता हूँ नाम इसका। इसका साइन अप भी नाम रख सकता था लेकिन असल में इसका नाम साइन अप ही होगा, इसका नाम यूज़र नहीं होगा। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि यूज़र की ना 4 API अलग बनेगी, उसके प्रोफाइल यानी यूज़र के प्रोफाइल को अपडेट डिलीट और वो करने के लिए ना 4 अलग से उसकी बनेगी API, वो हम बाद में देखेंगे, वो आज के केस में तो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन वेल, इसका नाम फ़िलहाल हम साइन अप रखते हैं, ठीक है, यूज़र नहीं रखते, क्योंकि यूज़र के नाम से 4 अलग बनेगी हमारे पास। अच्छा, अब साइन अप के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कि भाई बॉडी में क्या आया है मेरे पास, ठीक है। बॉडी के अंदर जो चीज़ आई है उसको मैं देखूंगा। बॉडी के लिए ऊपर मैंने ये express.json लगाया हुआ है पहले से। अच्छा, फिर मैं एक न्यू यूज़र का वेरिएबल बनाऊंगा। न्यू यूज़र के वेरिएबल के अंदर मुझे ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 चीज़ें चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए, बंदे का नाम चाहिए मुझे, ठीक है, जो आएगा वहाँ पे से। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ वैलिडेशन मुझे लगानी होगी शुरू में ही सबसे पहले, ठीक है। मैं बोलूँगा इफ़ नॉट, अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना एक वेरिएबल में अलग से कर लेता हूँ। मैंने कहा लेट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, एक अलग से मैंने निकाल लिया ताकि मुझे कंडीशन लगाने में आसानी हो। मैंने कहा बॉडी डॉट नेम चाहिए मुझे एक इसको, और ठीक है, नेम अगर नॉट नेम के बॉडी में अगर नेम मौजूद नहीं है, और नेम के साथ अगर ईमेल मौजूद नहीं है, डॉट ईमेल, अगर ईमेल मौजूद नहीं है, या बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, नॉट, अगर या तो पासवर्ड मौजूद नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर मौजूद नहीं है, तो मैं ये इफ़ पे ना इसको वैलिडेट करना चाहता हूँ कि भाई ये सब आपने भेजा नहीं है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक आखिरी चीज़ क्या रखवा दें हम, अब यम कन्फर्म पासवर्ड तो इसमें चाहिए नहीं होता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं, सही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
अच्छा इसको मैं लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ बाय द वे, सही है, लाइन को ब्रेक भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया ताकि ये पढ़ने में आसानी से आए। अच्छा मैंने कहा अगर ये कोई भी चीज़ इसमें से मौजूद नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बैड रिक्वेस्ट, सही है। और बैड रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड होता है वो क्या होता है, 400 होता है। ठीक है, आगे देख भी लेते हैं हम। मैं बोलता हूँ कि HTTP स्टेटस कोड ना यही था ना। ठीक है, अच्छा क्लाइंट एरर में आता है ना ये मसला कि भाई बंदे ने अगर मुझे ये चार चीज़ें मैंने कहा था रिक्वायर्ड हैं और बंदे ने नहीं भेजी तो ये किस में आता है, नंबर 4 में आता है क्लाइंट एरर। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से मसला है, सर्वर की तरफ से कोई मसला नहीं है। तो क्लाइंट में पहले जाऊंगा मैं, और क्लाइंट में जाने के बाद सबसे पहला है बैड रिक्वेस्ट, सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू समथिंग दैट इज परसीव्ड टू बी क्लाइंट एरर। ठीक है, मेल फॉर्म्ड रिक्वेस्ट, मेल फॉर्म्ड रिक्वेस्ट का मतलब है कि जिस फॉर्म में रिक्वेस्ट चाहिए थी ना उस फॉर्म में नहीं है, इनवैलिड रिक्वेस्ट मैसेज और फ्रेमिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो जैसा चाहिए था ना वैसा मिला नहीं सर्वर को, तो इसको बोलता है ये बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये बैड रिक्वेस्ट मैंने बना दिया कि भाई 400 है, बैड रिक्वेस्ट है, और मैं इसको क्या बोलूँगा, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग बोलूँगा, और साथ में मैं प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, या मैं इसको बोलूँगा कि ऑल ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। जाहिर है मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाकर दिया होगा ना उस डेवलपर को, जो भी इसको कॉल कर रहा है, जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना के दिया होगा कि भाई ऐसी रिक्वेस्ट मुझे चाहिए होती है, तो मैं उसी को ये मुखातिब होकर बोल रहा हूँ कि भाई ये आपने जो भेजा है ना वो गलत भेजा है आपने। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं बनाऊँगा एक अदद एग्जाम्पल, ठीक है, रिक्वेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बना दूँगा, एरर मैसेज में भेज रहा हूँ साथ में एग्जाम्पल भी भेज रहा हूँ कि कैसे कॉल होती है ये। मैंने कहा भाई ऐसे करके आप कॉल करोगे और आप बोलोगे फर्स्ट नेम जॉन, सही है, उसके बाद लास्ट नेम डुई, ईमेल ईमेल में abc@abc.com, ठीक है, और आप बोलोगे पासवर्ड ये चाहिए, पासवर्ड क्या, चार चीज़ें थी ना, 1 2 3 4। मैंने कहा भाई ये मुझे बॉडी में चाहिए डेटा, देख रहे हो किस तरह से हो रहा है ये, कि मैंने ना सिर्फ इसको ये बोला कि भाई आपने डेटा गलत भेजा है, बल्कि मैंने साथ में इसको ये भी बताया कि ये डेटा जो आपने ना क्या गलत भेज दिया डेटा में ऐसा, ताकि जो भी बंदा API को कॉल कर रहा है वो पहली दफ़ा जब कॉल करेगा तो जाहिर है वो उसको पता नहीं होगा कि यार कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, उसको ये चीज़ पता चल जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने देखो रिटर्न भी कॉल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कॉल करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे रिटर्न कॉल करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना ये फंक्शन और मज़ीद आगे ना चले। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखो ये इफ़ है, ये इफ़ लाइन नंबर 21 से शुरू है और लाइन नंबर 34 पे ये ख़त्म है, तो अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये वाला फंक्शन यानी ऐप डॉट पोस्ट का, ये ख़त्म हो जाए यहीं पर, ये आगे बढ़े ही ना, तो ये रिटर्न लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर आप करेंगे तो मसला हल नहीं होगा आपका। अच्छा तो ये इफ़ शुरू में एज़ अ क्या आ गया, एज अ वैलिडेटर आ गया, अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो बस ये कोड यहीं ख़त्म हो जाएगा फिर रिस्पॉन्स भेज के। ठीक है, अगर ये इफ़ ट्रू नहीं होता है तो कोड मेरा आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं यार इसको कैसे अच्छा सा बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, मेरे ख्याल है यही सबसे सेट है बस बेस्ट। अच्छा तो ये इफ़ मैंने वैलिडेशन के लिए यहाँ पर लगा दी। अच्छा अगर इफ़ ट्रू नहीं होती है तो अब मैं बनाऊँगा एक नया यूज़र, क्योंकि अब मुझे पता है कि सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने कहा न्यू यूज़र, न्यू यूज़र मैं बोलूँगा भाई कि फर्स्ट नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला लास्ट नेम बॉडी डॉट लास्ट नेम। सर जी, आपने कहा था कि ये एक्सप्रेस में ये इफ की कंडीशन बहुत कम यूज होगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा रहे थे।
नहीं प्यारे दोस्त, मैंने ये नहीं कहा था कि एक्सप्रेस में इफ़ की कंडीशन बहुत कम यूज़ होगी, ये नहीं मैंने कहा। जाहिर है इफ़ तो प्रोग्रामिंग जहाँ पे है वहाँ पे इफ़ तो चलेगा ही। मैंने ये कहा था कि ये स्टेटस कोड अलहदा से आपको ऐड करने के लिए ना कोई अलग से इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, रिस्पॉन्स तो यहाँ मैं भेज ही रहा हूँ ना हर हाल में भाई, रिस्पॉन्स तो मुझे हर हाल में भेजना ही है ना कि भाई आपने ये, अब बंदे ने अगर फर्स्ट नेम ही नहीं दिया, ईमेल ही नहीं दिया, तो यूज़र कैसे क्रिएट होगा। तो मुझे ये तो हर हाल में लगाना ही था, लेकिन मुझे ये स्टेटस करने के लिए ना कोई अलग से, अगर स्टेटस को मैं हटा भी दूँ तो कोड मेरा बिल्कुल सही चलेगा, ये मिलेगा भी उसको रिस्पॉन्स एरर, लेकिन ये एज अ सक्सेस रिस्पॉन्स उसको मिलेगा। ठीक है, तो एज अ सक्सेस रिस्पॉन्स मैंने नहीं दिखाना, मैंने एज अ एरर रिस्पॉन्स इसको ये दिखाना है 400। ठीक है सर। ठीक है, तो इफ जहाँ पे प्रोग्रामिंग है वहाँ पे तो इफ एल्स से ही होती है प्रोग्रामिंग में, और होता है क्या इफ एल्स के अलावा। जी दोस्त। सर, लेकिन अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम दो दफा है इफ की बॉडी में, यस लास्ट नेम, अब सही हो गया जी। सर, अगर हम यहाँ पे रिटर्न ना करें और यहाँ पे इफ की जगह हम एल्स लगा दें, तब भी वो हमारा सेम काम नहीं करेगा? जी जी, तब भी वो सेम काम करेगा अगर रिटर्न ना करें एल्स लगा दें। लेकिन उस मेरा ख्याल है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है, देखो एल्स लगाने से पता है क्या होगा, सम टाइम ना मेरे पास यहाँ पे एक वैलिडेटर नहीं होता, चार पाँच होते हैं लाइन से। ठीक है, ये एक और इफ होगा, अभी वो हो सकता है शायद बीच में वो एग्जांपल आ जाए। अब ये चार पांच वैलिडेटर लाइन से खड़े हुए होते हैं, तो कोई एक भी हिट हो गया ना तो वो रिटर्न हो जाता है, तो मेरा काम हल हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि मैं इसको अब इसको एल्स में कैसे लिखूंगा, इस पे एल्स लगाऊंगा, ठीक है, फिर इस इफ को पूरे को इसके अंदर लेके जाऊँगा मैं तमाम को, मैसी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये पूरा कर दिया, अब इस इफ का भी फिर एल्स होगा, फिर इसको भी अंदर लेके जाऊँगा, तो काफ़ी गिजमिज हो जाएगी वो। अच्छा, ये मैंने न्यू यूज़र क्रिएट कर दिया। अब न्यू यूज़र क्रिएट करते वक्त मुझे एक यूनिक आईडी भी इसको असाइन करनी है। लास्ट क्लास में तो हमने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया था, लेकिन इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है यूनिक आईडी असाइन करने के लिए। ठीक है, तो वो हम ज़रा देख लेते हैं, उसका नाम होता है नाम भूल गया मैं, आईडी जनरेटर लिखते हैं ना, नैनो आईडी, सही है ये वाला है। अच्छा, नैनो आईडी के नाम से एक लाइब्रेरी है, सही है। अच्छा, अभी तक हमने एक्सप्रेस के अंदर लाइब्रेरी कोई इस्तेमाल नहीं करके देखी थी, राइट? हमने की है आज से पहले, एक्सप्रेस के अंदर लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं की हमने, राइट? तो आज हम एक्सप्रेस के अंदर एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये एक्सप्रेस इट्सेल्फ है ना, खुद एक्सप्रेस है। अच्छा नहीं, कोर्स की हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल की हुई है, हाँ ये हमने कोर्स की हुई है। वेल, तो एक लाइब्रेरी और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो npm जो है ना, ये क्या है, नॉड पैकेज मैनेजर। npm जो है वो नॉड पैकेज मैनेजर है। जैसे देखो, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसके अंदर प्ले स्टोर होता है। अब एंड्रॉयड फ़ोन में अगर कोई भी आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, आप कहाँ जाके करते हैं, प्ले स्टोर में जाके करते हैं। इसी तरह आपको एक्सप्रेस के अंदर, एक्सप्रेस नहीं बल्कि पूरे नॉड जेएस के अंदर, ठीक है, ये जो सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है, जो इसमें कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होती है, तो आप npm की तरफ आते हैं, और npm में आके आप उसके लिए लाइब्रेरी के लिए सर्च करते हैं, और सर्च करके आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। देखो, इंस्टॉलेशन की कमांड यहाँ लिखी हुई है, क्लिक किया मैंने, कॉपी हो गया ये कमांड, और जाके मैंने टर्मिनल पे इसको क्या किया, पहले तो मुझे cd करके मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, 03 node.js, उसके बाद cd 6, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, npm i nano id, सही है, i फॉर इंस्टॉल। अच्छा, इंस्टॉल हो गया, अब आगे क्या करना है, आगे इसको ना ये करना है, ऐसे इंपोर्ट होगा, ये टॉप पे गया मैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, लिखा हुआ था उन्होंने कैसे इंपोर्ट होता है। उसके बाद ये इस्तेमाल कैसे होगा, ये ऐसे होगा इस्तेमाल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ पे भी इसको कॉल करूँगा ना, इस नैनो आईडी को, बल्कि मैं शुरू में लगा के भी देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ना console.log में ऐसे लिख के देखता हूँ कि जो भी ये, जहाँ पे भी ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा ना, जहाँ पे भी ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा, तो ये नैनो आईडी जो है ये मुझे एक यूनिक आईडी रिटर्न करेगा, सही है। अच्छा, ये टाइम के साथ एसोसिएट होता है ये वाली नैनो आईडी, तो ये कभी भी डुप्लीकेट भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम के साथ एसोसिएट होता है, यानी जो मिली सेकेंड्स चल रहे हैं ना 1970 से लेके अभी तक, ये उसको शामिल करता है अपने दरमियान में। तो उस रीज़न ये है
ये कभी भी डुप्लीकेट जनरेट नहीं होगा, ये हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। जी आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है नैनो आईडी, ये डिफ़ॉल्ट रिटर्न नहीं है इसका, इसी वजह से ये वाला जो है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में नैनो आईडी लिखा है इंपोर्ट के साथ, हाँ यानी ये इसका जो फंक्शन जो इसको रिटर्न कर रहा है वो एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं कर रहा, इस वजह से लिखा है। नहीं ये असल में इसको इम्पोर्ट करने का तरीका इन्होंने ख़ुद यही बताया है, मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट आके ये देखे ना, इन्होंने बताया भाई ऐसे इम्पोर्ट होगा भाई, ये ख़त्म बात। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बाय द वे इसका मतलब यही होता है कि नैनो आईडी के अलावा भी कुछ चीज़ें इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, मतलब इसका यही होता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसमें नैनो आईडी के अलावा क्या मौजूद है, फुल डॉक्स में शायद बताया उन्होंने, ठीक है, या मैं इसके कोड में भी जाके देख सकता हूँ, या नॉड मॉड्यूल से जाऊँगा ना, नॉड मॉड्यूल से खोल के ये नैनो आईडी के कोड में भी जाके देख सकता हूँ मैं कि इन्होंने और क्या क्या इसमें रखा हुआ है। सही, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं नैनो नैनो नैनो। जैसे वो रिएक्ट में जब बनाते हैं आप कंपोनेंट्स तो वो इसका तो यही होता है ना कि जो डिफॉल्ट रिटर्न है हाँ उसको आप बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के लिखते हैं। हाँ जी जी ऐसे ही। अच्छा इन्होंने नैनो आईडी के अलावा लिखा हुआ है कस्टम अल्फ़ाबेट, ये एक रखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा कस्टम रैंडम रखा हुआ है, रैंडम रखा हुआ है, सही है। एक एक इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। अब ये यूज़ कैसे होता है ये फुल डॉक्यूमेंट्स में ज़ाहिर है आपको पता चलेगा, कस्टम रैंडम, रैंडम, ठीक है, कस्टम अल्फ़ाबेट और नैनो आईडी। नैनो आई अच्छा डिफ़ॉल्ट किसी पे भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने, डिफ़ॉल्ट इन्होंने लगाया ही नहीं है, सिरे से ही नहीं लगाया, ठीक है, सही। तो ये हमने जाके वहाँ एक्सप्लोर कर लिया इनके कोड में, कहाँ पर गए हम गए नॉड मॉड्यूल में, नॉड मॉड्यूल में जाके हम नैनो आईडी में गए और नैनो आईडी में इंडेक्स डॉट जेएस में गए, ठीक है। खैर इसको बंद कर देते हैं वापस हम। तो अब ये नैनो आईडी मुझे क्या रिटर्न करेगी, यूनिक आईडी, इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये मैंने ओपन में लिखा है, ठीक है, ओपन का मतलब है ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर होता ना ये तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा ज़ाहिर है वो चलेगा नहीं, इसको मैंने ओपन में फ़िलहाल रखा है। तो देखते हैं मुझे ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है देखो ये एक यूनिक आईडी में इसने मुझे एंटर कर दी। रैंडम नंबर में क्या होता था, सिर्फ नंबर आते थे मेरे पास, लेकिन इसमें मुझे नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी आ रहे हैं और काफ़ी और भी चीज़ें आ रही हैं जिससे ये थोड़ा सा बेटर फीलिंग आ रहा है। बेटर फीलिंग के अलावा रैंडम नंबर जो मैं जनरेट करता था वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, ये डुप्लीकेट नहीं होगा इसमें, ये भी एक बेनिफिट है। अच्छा जी तो अब मैं क्या करूँगा, यही नैनो आईडी मैं एज अ यूनिक आईडी असाइन करूँगा किसको, अपने यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दूँगा कि भाई यूज़र आईडी लगा दूँगा, मैं बोलूँगा भाई नैनो आईडी है, ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। यूज़र बेस के अंदर मैं इसको पुश करवा दूँगा और बोलूँगा भाई कि यूज़र इज़ क्रिएटेड, ठीक है, ये मैंने इसको यूज़र क्रिएटेड करवा दिया। आसान है, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक कुछ, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं ये। अच्छा अब मुझे बनाना है इसका लॉगिन, अब मुझे इसका बनाना है लॉगिन, मैंने कहा ऐप डॉट, अच्छा लॉगिन के लिए गेट बनेगा या पोस्ट बनेगा, कौन मुझे बता सकता है? सर पोस्ट बनेगा, गेट बनेगा। अच्छा जो गेट कह रहे हैं वो ये बताएं कि गेट क्यों बनेगा, और जो कह रहे हैं पोस्ट बनेगा वो ये बताएं पोस्ट क्यों बनेगा, मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है, सही गलत नहीं है इसमें। सर पोस्ट बनेगा क्योंकि हम उस यूजर का डेटा जाएगा। बिल्कुल सर, डेटा सेंड हो रहा है तो पोस्ट बनेगा। अगर हम क्रड ऑपरेशन का क्रिएट होगा ना यहाँ पे, नया यूजर क्रिएट होगा तो पोस्ट, क्रिएट तो ये साइन अप में हो गया ना, ये अभी क्रिएट तो नहीं हो रहा अभी लॉगिन करते वक्त। अच्छा लॉगिन में ठीक है, तो मैं गेट ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा हूं, अच्छा मैं बता देता हूँ। देखें जो सोच रहे हैं कि गेट बनेगा वो सोच रहे असल में सही हैं, लेकिन मैं आपको एक डेटा देता हूँ फिर आप कहेंगे कि हाँ यार पोस्ट बनना चाहिए। देखो जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है ना उसमें बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर जो डेटा डाल के भेजते हैं ना वो सीक्रेट डेटा होता है, वो कोई रास्ते में देख नहीं सकता, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको गेट बनाऊँगा ना तो गेट के अंदर मैं बॉडी वैसे तो भेज सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। गेट के अंदर जो है ना आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं गेट करने की वो पब्लिक होती है, तो
ये प्राइवेसी की वजह से मैं इसको बनाऊंगा पोस्ट, सही है, गेट भी बना सकता था लेकिन प्राइवेसी फिर उसमें लीक हो जाएगी मेरी। मैंने कहा भाई मतलब सही था लॉगिन, सही है, अब मैंने ये लॉगिन बना दिया। अब लॉगिन में मुझे क्या चाहिए यूज़र से, वैलिडेशन पहले तो लगाऊंगा मैं, वैलिडेशन में आ जाते हैं, ये वैलिडेशन पूरी उठा के ले आता हूँ मैं ना, क्योंकि कुछ इसी तरह का होगा डेटा असल में, ठीक है। ये वैलिडेशन में साइनअप से मैंने कॉपी कर ली और साइनअप से कॉपी करके लॉगिन में लगा दिया। अच्छा अब मुझे साइनअप करते हुए तो इसने दिया था सब कुछ, लेकिन लॉगिन करते हुए मुझे क्या देगा, ये ईमेल और पासवर्ड देगा, ठीक है, मुझे ये क्या देगा, ईमेल और पासवर्ड देगा, सही है। ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा कुछ नहीं मांग रहा मैं इससे, ठीक है। सब लोग एग्री करते हैं ना कि लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड मुझे लाजमी चाहिए, उसके बगैर नहीं मुझे काम होगा मेरा, सही है, सब लोग एग्री करते हैं इससे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग मैंने कह दिया, और मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट जो है ना अभी ऐसी होगी, इस तरह की होगी आपकी, कि भाई ईमेल आपको भेजना है और पासवर्ड आपको भेजना है, ये दोनों चीज़ आपको भेजनी है। अगर यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ मिसिंग होगी तो यहाँ से आगे कोड नहीं बढ़ेगा मेरा। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ आगे। अब आगे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे यूज़र बेस में उस यूज़र को मैंने तलाश करना है कि आया कि वो यूज़र मेरे यूज़र बेस में मौजूद है या नहीं है, सही है। तो मैंने सबसे पहले इस फाउंड का एक लगा लिया। अच्छा डेटाबेस जब होगा तो डेटाबेस में क्वेरी लगाऊंगा मैं, ठीक है, अभी तो डेटाबेस नहीं है तो अभी मैं लूप चला रहा हूँ, लेकिन जब डेटाबेस होगा ना तो मैं डेटाबेस में क्वेरी करूँगा मैं। मैंने कहा भाई फॉर लूप चलाओ, किस पे चलाओ, यूज़र बेस नाम का जो वेरिएबल है ना उस पर फॉर लूप चलाओ पूरे आखिर तक लेंथ, ठीक है। और चलाने के बाद क्या करो, इफ़ लगाओ, इफ़ से ज़ाहिर चेक करूँगा मैं कि भाई उसमें क्या मौजूद है। मैंने कहा इफ़ यूज़र बेस का इंडेक्स आई, ठीक है, डॉट ई मेल बराबर है अगर बॉडी डॉट ईमेल, आपने ऊपर यूजर लिखा है सॉरी, आपने आई थिंक ऊपर सिर्फ यूजर लिखा हुआ है, यूजर बेस नहीं, यूजर बेस दिया कर दिया था मैंने बाद में, यूजर बेस कर दिया था इसको, ये रहा लाइन नंबर 14। अच्छा तो मैंने कहा यूजर बेस में जाओ, तमाम उस पर सर्च करो जाके, ठीक है, तमाम यूजर्स पे जाके सर्च करो और देखो कि यार किसी यूज़र का ईमेल क्या अभी जो मुझे ईमेल मिली है उससे मैच कर जाता है, ठीक है। अगर मैच कर जाता है तो क्या करो, ज़ाहिर ये 10 दफ़ा चलेगा तो किसी एक दफ़ा वो मैच कर जाएगा, यही होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करूँगा मैं, यूज़र बेस का इंडेक्स आई, पूरा यूज़र भेज दूँगा मैं, क्या ये करूँगा मैं लॉगिन में, मुझे क्या ये करना चाहिए, नहीं इंडेक्स पे नहीं भेजना चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा ये यूजर बेस का आई भेजूंगा ना अगर मैं, तो क्या होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा उसके पास ना, उस ऑब्जेक्ट में पासवर्ड भी तो है, सही है, वो पासवर्ड मुझे नहीं दिखाना किसी को, ठीक है, मुझे उसको ये दिखाना है कि भाई मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसको भेजने के लिए ना, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा मैं, उसमें क्या भेजूँगा मैं, जो मुझे भेजना है मैं सिर्फ वही भेजूँगा। मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है, ये देखो अब मैं जो चीज़ें मुझे भेजनी है मैं सिर्फ वही भेजूँगा, मैं सब नहीं भेजूँगा, सही है। मैंने कहा लास्ट नेम इक्वल्स टू यूज़र बेस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, और ईमेल, पासवर्ड मैंने इसमें से हटा लिया, मतलब नहीं भेजा पासवर्ड मैंने, ठीक है, ये सबको समझ आया। और यहाँ पे मैं एक अदद मैसेज भी भेजूँगा, मैं कहूँगा मैसेज, और मैसेज के अंदर मैं बोलूँगा लॉगिन सक्सेस फुल, ये मैंने सक्सेसफुल का मैसेज भेजा है। अच्छा यहाँ पे मुझे डॉट स्टेटस 200 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही होता है, अगर मैं नहीं लगाऊँगा ना तो 200 बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, लेकिन चलो मैं लगा देता हूँ, लगा दूँ तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो 200 होता है, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लगा दें। अच्छा ये हो गया, अगर ये पूरा लूप ख़त्म हो जाता है, अच्छा यहाँ पे फिर ज़ाहिर है रिस्पॉन्स भेजने के बाद रिटर्न भी मुझे लगाना होगा ताकि ये ख़त्म हो जाए यहीं पर, आगे ना बढ़े यहाँ से ये, ठीक है, और मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगाना होगा मुझे,
ठीक है, ब्रेक भी लगाना होगा और रिटर्न भी लगाना होगा। ये सिर्फ ईमेल मिलने पे लॉगिन सक्सेसफुल कैसे हो गया? अरे हाँ ना यार, पासवर्ड तो मैच किया ही नहीं हमने। हाँ पासवर्ड तो हमने मैच किया ही नहीं, वो भी हमें करना पड़ेगा। मैं समझा अपना बंदा है तो जाने दिया यार। अच्छा इस फाउंड को पहले तो ट्रू करवा दिया हमने यहाँ पे। हाँ अब हमें इसका पासवर्ड भी तो चेक करना है ना, इसको पहले कट करके हम साइट पे ले जाते हैं। इसको कट करके साइट पे कर दिया, यहाँ पे अभी सिर्फ ईमेल चेक हुई है। अच्छा ईमेल और पासवर्ड में ना एक लाइन में भी चेक करवा सकता था, एक लाइन में भी मैं चेक करवा सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये कॉपी किया, ये भी मैंने कहा भाई पासवर्ड, ठीक है। नेस्टेड मेरे ख्याल में एक वाला ज़्यादा बेहतर। हाँ ये तरीका भी सही है, ठीक है, लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका यूज़र मैच नहीं हुआ ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ईमेल गलत थी या पासवर्ड गलत था या दोनों गलत थे, ये नहीं आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक दूसरा इफ़ बनाता हूँ यहाँ पर, सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा इफ़ बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसको कहाँ पे करूँगा, मैं कहूँगा पहले ईमेल चेक करो और उसके बाद पासवर्ड चेक करो। देखो एक इफ़ बाहर है, एक इफ़ अंदर है, सही है। ये दो इफ़ बन चुके हैं मेरे पास। अच्छा यहाँ पे भी अगर ये मैच हो जाएगा ना, तो फिर मैं ये काम करूँगा। ठीक है फिर मैं ये काम करूँगा, और इसका ज़ाहिर है एल्स भी होगा मेरे पास। एल्स में क्या मतलब है, पासवर्ड इनकरेक्ट है अगर इस एल्स में पहुँचता है तो, करेक्ट पासवर्ड अगर ये वाला इफ़ चलता है तो इसका मतलब है करेक्ट पासवर्ड है, ये इफ़ चलता है तो इसका मतलब है इनकरेक्ट पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा हाँ, ईमेल वाला का भी उसके भी एल्स देंगे अभी। अच्छा अब पहले तो मैं इस एल्स पे लगा देता हूँ। इस एल्स पे मैं क्या लगा दूँ, इस एल्स पे मैं लगाऊँगा कि स्टेटस क्या होगा, पहले तो 401 होगा। 401 मतलब अनऑथेंटिकेटेड, सही है। देख भी लेते हैं 401 क्या है। ये स्टेटस तो कंसोल पे शो होगा ना, क्या कंसोल पे शो होता है स्टेटस जो है रिस्पॉन्स में? ये ब्राउजर पे होता है स्टेटस, तो कहीं पे भी शो नहीं होता स्टेटस, तो जावास्क्रिप्ट में मिलता है सिर्फ आपको। अभी फ्रंट एंड भी बनाते हैं, आप बेफिक्र रहें, अभी पहले सर्वर लिख लेते हैं, अगर हमें मौका मिल गया तो हम इंशाल्लाह फ्रंट एंड भी थोड़ा सा बना लेंगे। इसका है हमारे पास अभी 15 मिनट हैं, अभी बस लॉगिन तो तैयार हो गया, तो 2 मिनट में इसका ये कोड पुश नहीं हो रहा है सर, पिछली क्लास का और ये आज का? नहीं नहीं पुश, तो खैर अभी नहीं हुआ। पुश किया भाई मैंने कोड, ये 4 के नाम से जो था ना, ये 4 के नाम से जो है, ये पिछली क्लास का कोड इसी में लिखा हुआ है सारा। आज जो है वो 6 के नाम से। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, उसमें ये कोड तो नहीं आ रहा था, मैं फिर दोबारा देख। नहीं वो असल में पिछली क्लास में ना हमने नया फोल्डर नहीं बनाया था, हमने वो पुरानी फोल्डर में ही चीज़ें ऐड कर दी थी, इसलिए आपको लगा होगा कि नहीं है। अच्छा तो ये मैंने इसका भी बना दिया भाई, करेक्ट पासवर्ड और इनकरेक्ट पासवर्ड इसका मैंने बना दिया। अच्छा अब मुझे चाहिए इस फाउंड वाला काम ना, मैं बोलता हूँ भाई के इस फाउंड को यहाँ पे मैंने ट्रू करवा दिया, ठीक है। अगर तो फाउंड हो गया ना, तो ये अंदर दो इफ लगे हुए, ये हैंडल कर लेंगे मसले को मेरे, ठीक है। अगर नॉट फाउंड होता है, ठीक है, अगर क्या होता है नॉट फाउंड, अच्छा ये यानी जैसे फाउंड हो गया ना, ये फाउंड होने के बाद ये सारा काम मैंने करवाया, और लाइन के आखिर में इसको मैंने क्या कर देना है, ब्रेक भी कर देना है कि बस यहाँ ब्रेक हो जाओ, इसके आगे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लूप को मैंने यहाँ पे ब्रेक भी करवा दिया, अदरवाइज़ क्या होगा वो लूप चलता रहेगा फिर। अच्छा जहाँ जहाँ मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ ना, यहाँ यहाँ पर मैंने क्या करना है, रिटर्न भी लगाना है फ़ौरन ही, हाथ के हाथ। रिस्पॉन्स भेजने के फ़ौरन बाद रिटर्न आपको लाजमी लगाना है, ताकि अगर रिस्पॉन्स आपने भेज दिया है तो वहीं से रिटर्न हो जाए आपका फंक्शन पूरा, ठीक है, आगे उसके वो ना चले, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको रिटर्न लगाने की प्रैक्टिस करें आप, वरना आमतौर पे फिर एरर्स आते हैं कि
एक ही रिस्पॉन्स होता है, दो दो बार भेज देते हैं आपको। अच्छा, अब मैंने बोला इज नॉट फाउंड कि अगर बंदा मिला ही नहीं है। सर सर आप पहले ब्रेक लगा रहे थे रिटर्न से पहले, तो वो क्या नहीं लगाना ब्रेक? नहीं ब्रेक तो ये देखो असल में उस वक्त ना सिचुएशन कुछ और थी, मैं पासवर्ड लगाना भूल गया था इसलिए मैं वो गलती कर रहा था। देखो पहले ये इफ़ है, इसके आखिर में, इस इफ के आखिर में ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। बाय द वे ये ब्रेक ना अनरीचेबल कोड हो गया, इसलिए थोड़ा डिम हो गया ये, ठीक है। इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे बाय द वे। क्यों? रीज़न उसका पता है क्या है? रीज़न उसका ये है, अगर ये इफ ट्रू होता है ना तो उसके अंदर या तो ये इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, तो दोनों में ही रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, यहाँ भी रिटर्न यहाँ भी रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न से क्या होता है, पूरा कोड ही ख़त्म हो जाता है, तो ना फॉर लूप बचेगा ना कोड बचेगा, तो फिर वो ब्रेक किसको करेगा वो, ठीक है। इसलिए वो ब्रेक जो है ना डिम हो गया था, वो अनरीचेबल कोड हो गया था, तो ये दोनों में से कोई भी एक रिटर्न ज़ाहिर चल जाएगा तो वो कोड ही ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, ना कुछ रहेगा ना, तो इसलिए वो ब्रेक डिम हो गया था। अदरवाइज़ जहाँ पे भी मैं फॉर लूप लगाता हूँ वहाँ पे ब्रेक मुझे लगाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो मिल जाता है वहाँ पर। इस पर मैंने बोल दिया भाई 401 हो गया, यूज़र नॉट फाउंड हो गया। 401 क्यों होगा, 404 होगा ये, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड हो गया। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, इसको रिटर्न लगा दिया। ये जो है ना मेरी लॉगिन की जो API है ये पूरी की पूरी तैयार हो गई है इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा सर, जब आप फिनिश कर लें तो ये अपनी रिमोट रिपो ज़रा चेक कीजिएगा, उसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल शो हो रही है, मुझे तो नहीं मिल रही है, जो कोड की फाइल है वो नहीं मिल रही। कहाँ से आएगा ये? यहाँ से आएगा। अच्छा, ये नॉट जे एस और नॉट जे एस के बाद 4, ओके गॉट इट। ये 4 में ना पता है क्या हुआ है, ये मैं समझ गया क्या हुआ है, ये 4 जो है इसके अंदर एरो बना हुआ आ रहा है। अच्छा अभी वाला तो खैर मैंने पुश नहीं किया, देखो 5 तो पुश हुआ है, ये 4 वाले क्लास कोड के ऊपर जाएंगे तो ये खुल तो जाएगा। किस पे जाएंगे तो? अच्छा 5 में भी टेक्स्ट फाइल है। हाँ 5 में तो टेक्स्ट फाइल है, हाँ 5 में कोई वो नहीं है। जी जी ये टेक्स्ट फाइल ही सर बनाई थी मैंने, असल में जब ये टेक्स्ट फाइल बनाई थी ना तो कोडिंग हम 4 वाले में ही कर रहे थे, लेकिन ये 4 वाले में मसला क्या है वो मेरे समझ आ गया, ये 4 वाला ओपन नहीं हो रहा ना, ऐसा ही है ना। अच्छा अभी क्लास कोड के ऊपर जाएंगे ना माउस ले जाएं तो ये खुल जाए, क्लास कोड ये वाले पे नहीं, ये तो इसको तो खोलना नहीं है ना, आपने फोल्डर खोलना है, ये तो कमिट का मैसेज है, इसको छोड़ दें। ये असल में इसलिए नहीं खुल रहा है कि इसमें ना डॉट गिट का एक फोल्डर बना हुआ है, इसलिए नहीं खुल रहा है। अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। असल में मैंने एक रिपॉजिटरी उठा के जब पेस्ट की थी ना, तो एक रिपॉजिटरी के अंदर जब दूसरी रिपॉजिटरी होती है तो वो उसको ना पुश नहीं करता है, देखो डॉट गिट बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा ना तो ये सेट हो जाएगा। गिट इग्नोर में नहीं डाला था? गिट इग्नोर का केस नहीं है ये, ये गिट इग्नोर वाला केस नहीं है। तो मतलब जब भी कुछ करें डॉट गिट का फोल्डर मतलब ये हटा डिलीट करें? नहीं देखें, एक तो मेन रिपॉजिटरी है ना मेरी, मेन रिपॉजिटरी के अंदर तो डॉट गिट का फोल्डर रहेगा, लेकिन मेन रिपॉजिटरी के फोल्डर में किसी फोल्डर में कोई दूसरी रिपॉजिटरी है तो फिर वो जो है ना उस फोल्डर को पुश नहीं करेगा, बाकी को तो पुश कर देगा वो। यार बहरहाल ये कुछ अभी इशू हो रहा है, मैं इसको सही कर दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। वो डॉट गेट जो बना हुआ था इसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर रहा था। अच्छा जी, तो ये मेरा सर्वर कंप्लीट हो चुका है लॉगिन और साइनअप के अतबार से। अच्छा ये कोड जो है ना स्टिल थोड़ा सा अभी नॉन रियलिस्टिक है, नॉन रियलिस्टिक इस वजह से है कि जब रियल लाइफ में जब हम लॉगिन करते हैं ना तो लॉगिन करते हुए एक टोकन भी बना के देते हैं, ठीक है, एक टोकन भी बना के देते हैं जिसके लिए हम JWT का एक लाइब्रेरी है, JWT हम वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो अभी तक हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, वो इस्तेमाल नहीं किया है इस वजह से कि अभी फ़िलहाल के लिए इतना रखना चाह रहा हूँ,
ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अभी जो है क्या होता है, जब लॉगिन करते हो आप तो ये सिर्फ आपको यूज़र को ऑब्जेक्ट बना के देता है और लॉगिन सक्सेसफुल देता है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जो लॉगिन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप एक असल में टोकन बना के दे रहे होते हैं, एक टोकन भी आप बना के दे देते हैं, सम यूनिक टोकन, ठीक है, ताकि अगली दफ़ा जब आएगा ना रिक्वेस्ट, जब अगली दफ़ा जब लेकर आएगा बंदा, तो हर दफ़ा ये यूज़र पासवर्ड थोड़ी भेजेगा, वो टोकन लेकर आएगा फिर। लेकिन ये टोकन एक ऐसा यूनिक टोकन होगा जो किसी को पता नहीं है कि वो क्या होगा, वो सिर्फ मुझे पता होगा, सर्वर जो मेरा है ना सिर्फ मुझे पता होगा और किसी को भी पता नहीं होगा। तो अब ये यूनिक टोकन कैसे जनरेट करते हैं ये अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे, हम ये इंशाल्लाह जब डेटाबेस कनेक्ट करके यही चीज़ हम दोबारा बनाएंगे डेटाबेस कनेक्ट करके, फिर हम ये टोकन भी इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा अब हम बनाते हैं फ्रंट एंड अपना। अच्छा एक सवाल था वो जी, कोड में आइएगा सर, ये ऊपर जो एफ है ना ये वाला यूजर भी, हाँ ये वाला, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे नीचे, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, इस एक मिनट, ये अच्छा ये यहाँ खत्म हो रहा, ओके इसका एल, ये हाईलाइट हो जाता है ना एक पे, अच्छा, रखो दूसरा अच्छा, हाईलाइट हो जाता है, नहीं आप इसके नीचे वाले पे जरा क्लिक कीजिएगा, ये वाले पे, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाला, ये बॉडी डॉट ईमेल ऊपर वाला और के नीचे, हाँ ये वाला, इसका जो एल्स है वो क्या है, इसका एल्स नहीं है ना, क्यों इसका एल्स इस वजह से नहीं है क्योंकि ये लूप में चल रहा है, ये हर दफ़ा आके इस चीज़ को चेक करेगा, हर दफ़ा आके इस चीज़ को, ये असल में ट्रू हो गई एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक दफ़ा ये ट्रू होगा, अगर 10 बार घूमे ना लूप तो ये एक दफ़ा ट्रू होगा, या तो कभी भी नहीं होगा अगर, तो फिर ये चलेगा नॉट फाउंड, इसका एल्स असल में ये है फ्लैग के जरिए काम हुआ होगा, ये कह रहा था इसको एल्स में क्यों नहीं डाला, इसको एल्स में अगर डालेंगे ना तो ये जितनी दफ़ा लूप घूमेगा ना उतनी दफ़ा ये चलेगा, फिर हम ये नहीं चाहते, देखें इमेजिन करें ना आप, हाँ ये 10 दफ़ा घूमेगा ना लूप, तो पहली दफ़ा में ये इफ़ चला, इसको छोटा भी कर देता हूँ मैं कोलैप्स, देखो ये 10 दफ़ा लूप घूमा ना ये वाला, तो ये पहली दफ़ा में इफ़ चेक किया ट्रू नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा में चेक किया ट्रू नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा में किया ट्रू नहीं हुआ, 10 दफ़ा घूम गया ट्रू नहीं हुआ, तो ये चल जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। लेकिन इमेजिन करें अगर मैं इसको एल्स में डालता तो क्या होता, पहली दफ़ा घूमा ट्रू नहीं हुआ, एल्स चला रिस्पॉन्स में एरर चला गया ख़त्म, वो अगली दफ़ा घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको फ्लैग वाला, फ्लैग की टेक्निक कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लैग लगाना। तो ये लूप के अंदर जब हम सर्च वगैरह करते हैं ना तो ये फ्लैग लगाना बहुत कॉमन टेक्निक है, तो यही यहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा मेरे ख्याल नहीं कुछ और नहीं हो सकता है। फ्लैग आपने फॉल्स किसके लिए दिया था, फ्लैग यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था कि आया कि यूज़र मुझे मिल रहा है यूज़र बेस में या नहीं मिल रहा है, इसलिए लिया था मैंने। सर फ्लैग का यही काम है और कोई भी काम में आता ही है? अच्छा फ्लैग जो होता है ना, देखो किसी भी चीज़ के लिए वेरिएबल में आप नोट कर लेते हो कि भाई अभी ये नहीं मिला हुआ, फिर आप लूप चला के घुमाते हो, फिर आप बाद में चेक कर लेते हो। देखो फ्लैग ना हमने फॉर लूप के टाइम पे भी पढ़ा था शायद, मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा सा, तो फ्लैग में ना वो वाला लेक्चर भी तलाश कर लीजिएगा फॉर लूप में फ्लैग वाला, ठीक है। बाकी अलग से भी आप गूगल कर सकते हैं, फ्लैग का काम ना मोस्टली तो यही होता है, लेकिन जाहिर है प्रोग्रामिंग में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो कोई बंदा फ्लैग को किसी और पर्पस में भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ यही यूज़ है और ज़िंदगी में कोई, मैंने आज तक सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ किया फ्लैग को, ठीक है। मैंने कहा इसको जावा स्क्रिप्ट फ्लैग, ठीक है, व्हाट इज़ फ्लैग वेरिएबल, देखो किसी ने ये सवाल पूछा हुआ है, व्हाट इज़ फ्लैग वेरिएबल, ठीक है, कह रहा है रिसेंटली आई केम अक्रॉस फ्लैग वेरिएबल, अब फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, तो किसी ने जवाब दिया है कि भाई फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, एक बूलियन होता है, ठीक है, और आप उससे पता लगाते हैं कि इस वक्त वो क्या है। देखो इसने बेहतर जवाब दिया, किसी ने इसको ट्रू भी किया हुआ है कि हाँ यार ये सही है, जिसने पूछा था ना उसने बोला भाई एक्सेप्टेड आंसर है। तो यहाँ पर देखो क्या आया हुआ है, वेरिएबल एरर्स के कितने एरर आए हैं, अभी फ़िलहाल ज़ीरो है, जितनी दफ़ा एरर होता जाएगा ना उतनी दफ़ा ये प्लस 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 करता जाएगा, और आखिर में यहाँ पे इफ़ एरर्स हैं अगर देयर वाज अ प्रॉब्लम ऐसे करके, तो इस एरर को आप प्रिंट करा दो कि 6 एरर आए 7 एरर आए, ठीक है। इसका भी जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं वो भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी लिंक, और यहाँ पे मैं लिंक ये पेस्ट कर देता हूँ कि भाई व्हाट इज़ फ्लैग वेरिएबल। तो आप ना फ्लैग वेरिएबल को अलग से भी सर्च कर सकते हैं, अलग से भी स्टडी कर सकते हैं कि फ्लैग वेरिएबल, अच्छा ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं है, ये असल में प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, ये सी लैंग्वेज में भी हम किया करते थे,
फ्लैग लगा के चीज़ को इस्तेमाल करते थे। ये नीचे इस फाउंड जो है नॉट किया हुआ है आपने, यानी ये ट्रू हो रहा है, तो ट्रू होने पे फिर 404 का यूजर नॉट फाउंड कैसे? हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे चल रहा है। शुरू में मैंने कहा कि इज फाउंड के क्या मिल गया यूज़र, शुरू में मैंने इसको फॉल्स रखा, ठीक है, फिर मैंने घुमाया, सही है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर ये इफ़ ट्रू होता है ना, तो ये इफ़ ट्रू होने की सूरत में क्या किया मैंने, इज़ फाउंड ट्रू के मिल गया ट्रू। लेकिन अगर ये इफ़ कभी भी ट्रू नहीं होगा तो ये हम पहले क्या रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये इफ़ कभी भी ट्रू ना हो तो ये चेंज तो नहीं होगा ना, जो पहले था वही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लगाया है कि इफ़ मतलब इसको अच्छा, मैं नीचे इसको उसी कंडीशन में वापस कर दिया जैसे हाँ, सबसे ऊपर इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, इफ़ इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। ये मैंने ये लिखा हुआ है, नॉट का मतलब है ये जो मैं नॉट करके लिखा था ना, वो ये मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में लिख दिया उसको, एक ही बात है, ठीक है। वापस नॉट लगा देता हूँ मैं, देखें अभी इज फाउंड जो है वो फॉल्स था शुरू में, और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये अभी भी फॉल्स है तो इसको कंडीशन को ट्रू कराना है, तो मैं फॉल्स को नॉट लगाऊंगा ना तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है ना नॉट लगाने से, नॉट लगाने से अब उलट जाता है, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, यही होता है ना नॉट से। बल्कि किसी ने दोस्त ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि सर वो नॉट हम क्यों लगा रहे हैं, हम नॉट मतलब कोई चीज़ फॉल्स है तो उसको हमें ट्रू क्यों कराना है। तो ये एग्जांपल उसकी यहाँ पे आ गई है कि कोई चीज़ अगर फॉल्स है ना लेकिन उसके ज़रिए मैंने इफ़ चलवाना है तो उसको मुझे ट्रू करवाना पड़ेगा, जब ही तो इफ़ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने नॉट लगा के इसको ट्रू करवाया कि अगर फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रू हो चुका होगा तो नॉट लगाने से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इफ़ नहीं चलेगा। समझ आई ये वाली बात? सही सही, बिल्कुल इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल। अच्छा अब हम इसका फ्रंट एंड बना लेते हैं, फ्रंट एंड में अभी भी सर, जी दोस्त सवाल था मेरा, आपने यूजर ये खोलिएगा, ये इसका जो चल रहा है फर्स्ट वाला, ये इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्यों दिया एंड ये वाला। देखो यूज़र ना लॉगिन हुआ है ना, यूज़र ईमेल भी सही हो गया, पासवर्ड भी सही हो गया, तो मैंने अब मुझे भेजना है यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट वापस भेजना है कि भाई ये है वो बंदा जो लॉगिन हुआ है, तो मैंने इसलिए ये सारा कुछ भेजा है। जाहिर है जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो जब आप डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं तो आपका नाम आपका ईमेल सब दिख रहा होता है ना, फोटो प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह, तो ये मैंने इसलिए भेजा है। सही है, सेव किया इसको मैंने। अच्छा अब हम आ जाते हैं HTML के ऊपर, साइनअप फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने पहले ही। अच्छा साइनअप फॉर्म को अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको करना है कि फर्स्ट नेम। अच्छा वो जो आप जो टोकन का जिक्र कर रहे थे, हाँ तो ये टोकन अगर मतलब इस पे अगर काम होगा कभी तो ये टोकन तो डेटाबेस से उठ के आएगा ना, जो टोकन नंबर वहाँ पे जनरेट होगा, आईडी नंबर, वो टोकन नंबर होगा। अभी बहरहाल वो जब हम टोकन जनरेट करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे कि कैसे होता है टोकन जनरेट करना, ठीक है। वो क्रिप्टोग्राफी की पूरी एक क्लास होगी आपकी टोकन जब हम जनरेट करेंगे ना तो क्रिप्टोग्राफी की पूरी क्लास होगी एक, तो क्रिप्टोग्राफी का बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह टोकन कैसे जनरेट होता है, क्यों करते हैं, क्या सीन है पूरा। क्रिप्टोग्राफी बाय द वे एक फील्ड है जिसमें चीज़ों को छुपाने का हुनर होता है वो। अच्छा तो फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद हमारा आ गया लास्ट नेम, ठीक है। ये फॉर्म बना रहा हूँ मैं, ये पहले से बना हुआ फॉर्म था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ये बनाने के लिए। यूज़र नेम की जगह मुझे क्या चाहिए, अब ईमेल चाहिए, ठीक है। टाइप इसकी मैं ईमेल कर दूंगा, टाइप इसकी ईमेल करने से क्या होगा, जो है वो जो अगर मोबाइल फ़ोन में ये खुलेगा ना तो उसमें कीबोर्ड ईमेल वाला कीबोर्ड खुलेगा, ठीक है। आपको पता है ना एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अगर ईमेल का ईमेल लिखने की फील्ड हो तो उसमें कीबोर्ड थोड़ा सा मुख्तलिफ खुलता है, ठीक है। अच्छा इस सबको मैं रिक्वायर्ड भी कर दूंगा, रिक्वायर्ड इसलिए कर दूंगा क्योंकि सर्वर पर सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कि कोई ना यहाँ पे कुछ लिखे बगैर आगे ना जा सके, ठीक है। पासवर्ड तो पासवर्ड है, ठीक है, और सही है बस, ठीक है। हाँ पासवर्ड के साथ मुझे वो भी तो लगाना है, रिपीट पासवर्ड, सर लॉगिन फॉर्म है इसमें रिपीट पासवर्ड की जरूरत तो नहीं होती, साइन अप का फॉर्म है ये फिलहाल।
रिपीट पासवर्ड। ठीक है, दोनों जो है वो टाइप उसकी पासवर्ड। लॉगिन कोई भी कर सकता है फिर इसको? अभी तो साइनअप का फॉर्म बना रहे हैं ना फिलहाल, हम अभी लॉगिन का नहीं बनाया, अभी हम साइनअप का फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, और ये नीचे मैसेज का एक बनावा आ गया। अच्छा, उसके बाद ये बटन वटन हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लिस्ट ऑल यूज़र को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, एक मैसेज करके जो भी सर्वर से मैसेज आएगा वो यहाँ प्रिंट करवा देंगे। ये हमारा साइनअप का फॉर्म भी तैयार हो गया, इसको ज़रा देख लेते हैं फॉर्म को, ये दिख रहा कैसा है। कॉपी पाथ, और यहाँ पे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो साइनअप का फॉर्म हमारा फ़िलहाल ऐसे दिख रहा है। अच्छा, इसमें CSS नहीं लगी हुई है। ठीक है, अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं है क्लास में कि हम इसमें CSS भी अप्लाई कर सकें, लेकिन आप सब लोग जब इसको बनाइएगा अपने हाथ से तो आप CSS भी अप्लाई कीजिएगा इसमें। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करना है, ये तो मेरा UI तो तैयार हो गई बनके। अब ये साइनअप का जो फंक्शन है, इसमें मैं वैल्यू जो उठाता था वो अब मैं कहाँ से उठाऊँगा? वो अब मैं उठाऊँगा फर्स्ट, मेरे पास क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, और इसका शॉर्टकट करते हैं जल्दी से, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। ठीक है, ये सारी जगहों से मुझे उठा के लाना है। अच्छा, ये एक बात पूछनी थी, मान लीजिए कि इसमें इन्होंने बताया नहीं कि कम से कम दो बंदों के लिए ना, एक बंदा कैसे करेगा ये इतनी चार चीजें ना, और वो भी उसमें इतनी डेप्थ में जाती है। एक बंदा अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो गया बेचारा। सर, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी है कि ये वो सीख मर्न स्टैक के कॉन्सेप्ट सीख तो जाएंगे, हाँ, लेकिन उसको प्रोफेशनली अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करें? इंटर्नशिप पकड़ेंगे, इंटर्नशिप पकड़ेंगे जाके, हाँ, और जूनियर जूनियर वेब डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, ये अगर आपने ये कोर्स सीखने के फौरन बाद जॉब नहीं पकड़ी ना आपने, या फ्रीलांसिंग शुरू, जो भी आप करना चाहें, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, तो आपको एक महीना लगेगा या दो महीने लगेंगे ये सब भूलने में। मैं तो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो जैसे कोई प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज तो चाहिए, वो तो फौरी तौर पे नहीं होगी, तो वो कैसे डेवलप की जाए? हाँ, तो गैदर कर लें आप सब लोग मिल के, एक टीम बना लें। ठीक है, अच्छा, हाँ, भाई कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना मुझे। इंटरेस्टेड मैं भी हूँ, देखो यार प्रोजेक्ट तो सर पकड़ के लाएंगे, हम लोग काम करेंगे। हाँ, चलें ठीक है, आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं फिर। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये सारी फील्ड अब सर्वर पे भेजनी है, तो ये सारी फील्ड मैं सर्वर पे भेज देता हूँ। शॉर्टकट के चक्कर में मैं क्या करता जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, बाय द वे, एक मुझे अभी एक चीज़ मुझे जहन में ख्याल आया, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फर्स्ट नेम और उसके आगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उसके आगे लास्ट नेम, ईमेल उसके आगे ईमेल, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो मैं सिर्फ ऐसे फर्स्ट नेम लिख दूँ ना तो भी चल जाता है। ठीक है, ये ECMAScript 6 के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। सर, रिपीट पासवर्ड क्या है? रिपीट पासवर्ड मैंने एक फील्ड बनाई है ना, इनपुट बॉक्स बनाया है, एक बनाया पासवर्ड, एक बनाया रिपीट पासवर्ड। साइनअप के फॉर्म में दो बार लिखना होता है ना पासवर्ड, दोनों मैच होता है जब भी आपका फॉर्म सबमिट होता है। वो इसलिए होता है कि आप अगर कीबोर्ड में कोई बटन सख्त होता है ना कभी, एक दबा नहीं, अगली दफ़ा में वो दब गया, अब आपने से तो वो साइनअप नहीं होता, फिर वो बोलता है नहीं यार दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए वो यूज़र एक्सपीरियंस की बात है। ये अच्छी मिसाल दी है, सख्त बटन। ठीक है, तो इस तरह भी आप भेज सकते हैं। ये समझ में आया ना सबको, ES6 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ पॉसिबल होती है कि अगर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम है ना, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दें तो भी चल जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर ये। तो ये मैंने सारा कुछ उठा के कहाँ भेज दिया? सर्वर पे भेज दिया। ठीक है, सर्वर मेरा यहाँ पे है, स्लैश यूज़र नहीं है, अब स्लैश क्या है, ये साइनअप है, ये स्लैश, ठीक है, स्लैश साइनअप है ये। अच्छा जी, स्लैश साइनअप ये हो गया मेरे पास, और मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसको बोला कि भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो आएगा ना उसको कॉन्सोल पे प्रिंट करवा दो, और रिस्पॉन्स डॉट मैसेज करके मैंने एक चीज़ भेजी है वहाँ से। ठीक है, सर्वर से मैंने रिस्पॉन्स डॉट मैसेज करके एक चीज़ भेजी है, ये मैसेज है, वो ला के जो है ना तुम यहाँ पे प्रिंट करवा दो,
मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने सेव किया, ठीक है। और सेव करके अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपना, इससे पहले हम अपना सर्वर जो है ना क्लाउड पे चलाते थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ मैं अपना सर्वर कहाँ चलाऊँ, मैं लोकल चलाऊँ। मैंने कहा CD03 इस फोल्डर में आना चाहता हूँ, पहले मैं CD, उसके बाद 6, ठीक है। और मैंने कहा NPM स्टार्ट, NPM स्टार्ट करते ही ना मेरा सर्वर लोकली रन हो गया है, ठीक है, मेरा सर्वर लोकल रन हो चुका है। तो मैं अब किसको कॉल करूँगा, मैं ये क्लाउड के URL को कॉल नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा http://localhost, ठीक है, क्योंकि लोकल का भी थोड़ा एक्सपोजर हो ना, कि लोकल जब डेवलपमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है हम बार बार उसको क्लाउड में थोड़ी पुश करते हैं, हम लोकली उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने नहीं लगाई, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नहीं ये लगाई कि भाई पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड को मैंने, अच्छा रिपीट पासवर्ड मैं सर्वर पर थोड़ी भेजूँगा, रिपीट पासवर्ड तो मैं यहीं पे चेक करूँगा ना, मुझे एक इफ़ लगाना होगा यहाँ पे, मुझे एक इफ़ क्या लगाना होगा, ये लगाना होगा, मैं बोलूँगा कि भाई पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है अगर, ठीक है, तो क्या करो, मैसेज के नाम से जो मेरे पास फील्ड है ना उसमें बता दो कि यार पासवर्ड डू नॉट मैच, पासवर्ड डू नॉट मैच, प्लीज़ ट्राई अगेन भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी मैंने लगा दिया। और रिटर्न भी करवा दिया यहीं से कि भाई अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता है तो रिटर्न हो जाओ यहाँ से, आगे कोड को रन करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिटर्न जो है किसका होता है, ये फंक्शन का रिटर्न होता है, तो ये फंक्शन जो है ना जैसे ही रिटर्न देखता है ना, ये फंक्शन पूरा क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो कोड मेरा फ़ौरन कहाँ आ जाएगा, यहाँ फंक्शन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, फंक्शन के लाइन नंबर 85 में पहुंच जाएगा रिटर्न देखते ही, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक जो है ना रिक्वेस्ट तैयार कर ली और बना ली है, अब इसको ज़रा मैं कॉपी पास्ट किया मैंने, अच्छा ये तो खुला भाई है पहले से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके लिखा मलिक लास्ट एलिमेंट बाय आईडी की जगह ये अपना वो सेलेक्टर, क्योंकि सेलेक्टर वगैरह एक ही बात है, एक ही बात है, क्वेरी सेलेक्टर कर देते हैं, चलो और बोलो। अरे नहीं नहीं सही है सही है, एक ही बात है, क्वेरी सेलेक्टर थोड़ा अभी आजकल लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा। ईमेल मैंने कहा abc@abc.com, सही है, पासवर्ड abc नहीं 1234 और 1234। अब मैं अगर 1234 की जगह 1235 लिखूँगा ना, तो ये देखो मैच नहीं हो रहा, तो ये साइनअप पे क्या करेगा, देखो बोलेगा भाई डू नॉट मैच, ठीक है, तो मुझे ये वापस 1234 करना पड़ेगा। अब मैंने साइनअप का बटन देखो, अब मैं नेटवर्क में जाता हूँ, देखो नेटवर्क में गया, बहुत बड़ा हुआ भाई, इसको क्लियर किया नेटवर्क को यहाँ से। अब जैसे ही मैं यहाँ से साइनअप का बटन दबाऊंगा ना, एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए कहाँ पे, भला मेरे लोकल सर्वर पे साइनअप का बटन दबाया, देखो ये साइनअप का बटन जो दबाया ना मैंने, रिक्वेस्ट कहाँ गई है, लोकल होस्ट 3000/साइनअप, इस पर ये रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स आया वो क्या आया है, 201 आया है रिस्पॉन्स उसका, ठीक है, 201 क्रिएटेड, जो मैंने वहाँ से भेजा था वो आया। अच्छा यहाँ पे अनडिफाइन किस खुशी में आया भाई, मैसेज वहाँ से नहीं आया गया, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज था ना, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज था, ठीक है, सिर्फ मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट मैसेज लिख दिया था। बहरहाल जो कंसोल पे प्रिंट हुआ होगा पूरा रिस्पॉन्स जो वहाँ से आया है सर्वर से, यूज़र इज़ क्रिएटेड, ये रिस्पॉन्स आया सर्वर से, सही है। अच्छा मैंने यूज़र क्रिएटेड करते हुए मैसेज नहीं भेजा है बाय द वे, ये मैंने एक मिस्टेक की हुई है, यूज़र जब ये क्रिएट हुआ था ना साइनअप, तो मुझे क्या भेजना था यहाँ पे, मुझे मैसेज भेजना था ना, जेसन भेजना था, मैं हमेशा जेसन भेजूँगा, रेस्ट API लिख रहा हूँ ना मैं, तो मैं हमेशा जेसन भेजूँगा, मैं यहाँ से मैसेज ऐसे भेजूँगा, ठीक है, तो ये मैंने दो मिस्टेक की हुई थी। अच्छा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने चेंजेस किए हैं कोई तो मुझे रोक के चलाना पड़ेगा, तो मैं इसको रोकूंगा और रोक के दोबारा चलाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा इसका भी एक टूल है बाय द वे, वो भी अभी बात निकल आई है तो वो भी आपको बता देता हूँ, इसका एक टूल है जो ऑटोमेटिकली इसको रीस्टार्ट करता है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, ये स्टार्ट की जो कमांड है ना, सही है, ये आप इसके नीचे बनाएंगे डेव की कमांड, डेव, और इसमें आप लिखेंगे नॉर्ड मॉन, ठीक है, आप नॉर्ड की जगह क्या लिखेंगे, आप नॉर्ड मॉन ये लिखेंगे आप, ठीक है, और आप सेव कर देंगे इसको। अच्छा अब आप जाके लिखेंगे क्या यहाँ पे, आप इसको मैंने रोक दिया,
पहले मैं npm start लिखता था ना, अब मैं npm start नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि npm start नॉर्मल चलाएगा। मैं लिखूंगा npm run dev enter, ठीक है। अब देखो मैं ज़रा सी भी चेंजेस करूंगा ना, इसमें कॉमा डाला मैंने और सेव किया, ये देखो खुद से इसको रीस्टार्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन आपके पास ना ये देगा एरर, आपके पास ये बोलेगा NordMon is not installed, ठीक है, ये बोलेगा। तो NordMon ज़रा गूगल पे देख लेते हैं इंस्टॉल कैसे होता है। मैंने कहा NordMon enter, ठीक है, NordMon ये आ गया। अच्छा, NordMon को कैसे इंस्टॉल करना है आपको, npmi NordMon, ये एक दफ़ा चला देंगे ना आप npmi NordMon तो भैया हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको ये दोबारा नहीं चलाना है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन बताया हुआ है। अच्छा, माइनस जी आपको इसमें लगाना है इंस्टॉलेशन करते हुए ना, ठीक है। वैसे तो माइनस जी नहीं भी लगाएंगे तो अब ऑप्शनल ही है, अब ना ये खुद ही समझ जाता है, जो मतलब पहले ये माइनस जी लगाना ज़रूरी होता था लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। लेकिन वेल, आप इसको कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी करके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टर्मिनल पर आके ना एक दफ़ा इसको चला देना है बस। अच्छा, दोबारा भी चला दें तो कोई मसला नहीं है, वो पुराने को अपडेट कर देता है। ओए क्या किया इसने ये, अच्छा वो मेरे पास ना इंस्टॉलेशन में सूडो लगाना पड़ता है, ठीक है, मैक में और लिनक्स में सूडो आपको लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो उसको इंस्टॉल नहीं करता, ठीक है। एडमिन राइट्स के लिए, हाँ सही है, ये विंडोज़ में ये इशू नहीं होता, लेकिन मैक में और लिनक्स में ना ये सूडो आपको लगाना पड़ता है समटाइम, वरना वो बोलता है परमिशन डिनाइड और पता नहीं क्या बकवास करता है। अच्छा, ये नोड मॉनिटर तो आपने लगा दिया इंस्टॉल करके, लेकिन एक यहाँ पे लाइव सर्वर विजुअल स्टूडियो कोड भी तो देता है ऊपर। नहीं नहीं, वो लाइव सर्वर वो ऐसे ही है, ये सही प्रोफेशनल टूल है ये, लाइव सर्वर ये सर्वर तो नहीं चलाता। अच्छा अच्छा ओके, ये वो है फ्रंट एंड के लिए, हाँ ये बैक एंड का है, वो तो लाइव सर्वर तो फ्रंट एंड चलाता है ना, लेकिन मैं उसको भी यूज़ नहीं करता। ये लाइव सर्वर ये लिखा हुआ है ना गो लाइव, ये मैं यूज़ नहीं करता, आपने मुझे क्लास में कभी देखा नहीं होगा कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही फारिग है, मतलब बड़े मसले मसाइल हैं इसके। अगर आपको ये यूज़ करना है ना तो उसके लिए एक बेहतर तरीका है लाइट सर्वर, लाइट डैश सर्वर, ये बेहतर है फिर भी, ठीक है। ये VS कोड के अंदर जो लाइव सर्वर है ना, ये असल में शुरू अभी आया है ना ये, इसलिए मसला है, थोड़े दिनों में तो ये इंशाल्लाह सेट ही हो जाएगा। ये लाइट सर्वर यूज़ करें आप ना, अगर ये VS कोड वाला ये मसला करता है तो। वेल सर, लाइव सर्वर में क्या मसला है? यार लाइव सर्वर ना कभी कभी ये होता है कि चल जाता है लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पा रहा होता, अब दो तीन बार उसको चलाओ रीस्टार्ट करो पता नहीं, फिर चलते चलते कभी ना वो रुक जाता है चलते चलते वो खुद से रिफ्रेश होना बंद हो जाता है, पता नहीं है मेरे पास हो रहे हैं मसले या सबके पास। विंडोज में इशू नहीं है, विंडोज अच्छा। में हमारे पास नहीं है इशू, अच्छा हाँ, चलता है। मैं जब ही कह रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे पास मसला है या सबके पास है, लेकिन मैंने तो यार बड़ा इसको वो किया है, और दूसरा इसका ना यूज़र एक्सपीरियंस भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है रूट के फोल्डर को चला देता है। अब मुझे रूट वाले फोल्डर को नहीं चलाना, मुझे चलाना है इसमें, अभी मैं लाइव सर्वर दबाऊंगा ना, अगर मतलब ये इंडेक्स की फाइल ये खड़ी हुई है मेरे सामने, अभी मैं लाइव सर्वर दबाऊंगा ना तो ये फाइल को होस्ट नहीं करेगा, ये रूट को करेगा। देखो दबा के देखते हैं, ये विंडोज़ में भी ज़ाहिर है एक्सपीरियंस तो यही होगा ना। अरे नहीं कर दिया यार, शायद इन्होंने फिक्स कर दिया मसला वो चलो खैर, लेकिन अभी मैं इसको बंद करूंगा, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको पहले ख़ुद से अच्छे से टेस्ट करूंगा, जब ये हाँ बोलेगा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ तो फिर सेट हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्या होता है, रिफ़्रेश किया मैंने, ठीक है, abc@abc.com था ना एक तो। अच्छा यूज़र मेरा ना क्योंकि वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ था, तो जब मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो वेरिएबल मेरा वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो वेरिएबल मेरा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा साइनअप करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा इसको भाई मलिक abc@gmail.com 12345 12345 साइनअप, यूज़र इज़ क्रिएटेड, ठीक है, हो गया। अच्छा अगर मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट मार दूंगा ना तो ये क्या करेगा, ये उसी नाम से दोबारा क्रिएट कर देगा, ये चेक वेक कुछ भी नहीं कर रहा। तो मुझे एक काम और भी सर्वर पे करना था जो मैंने शुरू में नहीं किया, मुझे साइनअप करने से पहले, ये जो साइनअप है ना, ये जो मैं आँख बंद करके पुश कर देता हूँ ना, ठक करके पुश कर रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं करना था, मुझे इससे पहले चेक करना था, मुझे इससे पहले चेक करना था कि इस नाम से पहले से तो नहीं है भाई कोई यूज़र, ठीक है, मुझे ये चेक करना था कि इस नाम से पहले अगर कोई यूज़र है तो क्या करे उसको ये। अबे चल जा, सजेशन कब चलेगी
हाँ, मैंने ये करना था कि यूज़र बेस के अंदर अगर इस नाम से कोई पहले से मौजूद है अपना बंदा, तो क्या करो आप उसको, तो आप उसको मना करो कि भाई इस नाम से पहले से यूज़र है, ठीक है। और मैं अब नीचे आके यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई इफ़ इज़ फाउंड, ठीक है। अगर फाउंड हो गया यूज़र, तो फाउंड होने का मतलब क्या है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 ईमेल, और ईमेल का नाम भी लिख दिया ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैंने बोला। यानी फाउंड होने का मतलब यहाँ पे फॉल्स है। हाँ, यहाँ पे देखो फाउंड में मैं नॉट नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रू होने पे चलवाना है, यहाँ पे ट्रू होना गड़बड़ है, यहाँ पे ना ट्रू नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसे मैसेज करके भेजूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेसन की एपीआई बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे टेक्स्ट नहीं भेजूंगा कभी भी, मैं हमेशा जेसन भेजूंगा और मैं मैसेज करके बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है। सर, ये ऊपर वेरिएबल में फॉल्स क्यों? ऊपर वेरिएबल में फॉल्स है, शुरू में फॉल्स है ना, मैं सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च के लिए मैंने ये फ्लैग लगाया कि शुरू में फॉल्स है, घुमा के देखो, अगर ट्रू हो जाता है, अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजो और यहीं पर इसको रिटर्न करवाओ, यहीं पर इसको रिटर्न करवा के कहानी ख़त्म करो। तो ये भी काइंड ऑफ अ वैलिडेटर है, ये दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैलिडेटर। अच्छा, अब एक चीज़ और, मिसाल के तौर पे पहले मैंने abc@gmail लिखा था, उसका a कैपिटल कर दिया था, अभी मैंने लिखा है abc@gmail, उसका a मैंने स्मॉल कर दिया, तो ये तो दोनों मैच कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका हल ये है कि मैं हमेशा ईमेल को जब सेव करवाता हूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ, टू लोअर केस के अंदर सेव करवाता हूँ, ठीक है। ईमेल कभी भी जैसा बंदे ने दिया है ना, एज इट इज़ सेव नहीं करवाते हम, हमेशा लोअर केस में करवा देते हैं, ताकि क्या हो, उसको मतलब वो मिले। अच्छा, जब बॉडी के ईमेल को भी मैं करूँगा, तो मैं इसको भी क्या करके चेक करूँगा, टू लोअर केस करके चेक करूँगा मैं, ठीक है, ताकि उस बंदे ने कैपिटल में लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो। ईमेल हम डेटाबेस में हमेशा स्मॉल केस में रखते हैं, कभी भी कैपिटल में हम ईमेल नहीं रखते हैं डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ डेटाबेस में सेव भी स्मॉल लेटर में है, और यहाँ चेक भी स्मॉल लेटर में हो रहा है, तो इस तरह की गलती की गुंजाइश भी यहाँ पे ख़त्म हो गई अब, ठीक है। तो हमने क्या चेक कर लिया कि पहले से तो कहीं यूज़र मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा कि अगर एक ही ईमेल से मैं दो दफ़ा साइनअप करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे रोक देगा, ठीक है। आके मैंने रिफ़्रेश किया, ज़ाहिर है पुराना यूज़र गायब हो चुका है, क्योंकि मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ था। अब मैं कहता हूँ abc@gmail.com और 12345 12345, और एंटर का बटन दबाया मैंने। ओए, ये सर्वर क्रैश हो गया मेरा, सर्वर रीस्टार्ट करें। अच्छा, टू लोअर केस कह रहा है वो, आपकी स्पेलिंग गलत है टू लोअर केस की, कौन से लाइन नंबर में बता रहा है, 57 में बता रहा है। अच्छा, टू लोअर केस होता है ना भाई, मैंने सिर्फ लोअर केस लिख दिया, वो असल में आप मुंह से टू बोल रहे थे लेकिन लिख लोअर केस रहे थे। अब सही हो गया, यूजर इज क्रिएटेड। अच्छा, अब मैं इसका अगर कैपिटल करके भी, ए मैं कैपिटल कर देता हूँ इसका, सही है, abc@, लेकिन अब मैं जब दबाऊंगा ये फिर फट गया। अच्छा, देख लेते हैं, अब इसने क्या बोला, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ 400 तो सही भेजा है इसने, 400 ही मैंने भेजवाया था ना वहाँ से, मैंने 400 ही बोला था कि भाई 400 मैसेज, लेकिन मुझे नहीं मिला इसका ना, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैसेज मुझे इस वजह से नहीं मिला, वो समझ गया क्यों नहीं मिला, असल में एरर का मैसेज एरर डॉट मैसेज करके आता है, ठीक है, एरर का जो मैसेज होता है वो एरर डॉट मैसेज करके आता है यहाँ पे, ठीक है। अबे, प्रिंट तो करवाया हुआ मैंने, यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, एरर डॉट मैसेज तो होता है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, हाँ ये आ गया। अच्छा, तो एरर का मैसेज मुझे एरर डॉट मैसेज करके नहीं मिलेगा,
एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करके मिलेगा, सही है, माई बैड, ठीक है, ऐसे करके मुझे मिलेगा ये। तो मुझे अगर एरर आता है तो भी मुझे क्या करना है, ये वाला काम करवाना है मुझे, ठीक है। एरर का जाहिर है एक इफ़ एरर का, एक इफ़ जो है सक्सेस का, एक इफ़ एरर का है। यहाँ पर मैसेज के अंदर मुझे ये चीज़ रखवानी है, ये चीज़ मुझे रखवानी है मैसेज के अंदर, सही है। सही है, एरर का जो मैसेज था वो मुझे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलता है। आगे ज़रा रिफ्रेश करते हैं उसको हम, ठीक है। मैंने कहा मलिक मलिक abc@gmail.com 12345 12345 और साइन अप, ठीक है। ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। तो ये ईमेल का जो साइन अप का फॉर्म था वो हमने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल सही कंप्लीट हो गया हमारा साइन अप का फॉर्म। ऊपर एक एरर कैसे दे रहा था रेड कलर में, ये तो पुराना वाला आ रहा था, ये असल में एरर नहीं आ रहा, ये असल में वो जब रिक्वेस्ट फेल होती है ना यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर ये 400 जब आता है तो वो यहाँ पे उसको डिस्प्ले इसी तरह कर रहा होता है, ठीक है। सर ये सक्सेस की सूरत में रिस्पॉन्स डॉट डेटा का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है, हाँ हाँ, और एरर की सूरत में एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जस्ट ऐसा ही है, यानी ये दो चीज अलग अलग चीजें रिटर्न हो रही है। हाँ, ये एक यहाँ पे मिलता है, दूसरा हमें कैच के अंदर मिलता है, सही है। क्योंकि इंटरनेट पर जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सक्सेसफुल भी हो सकती है और फेल भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में मुझे अलग अलग काम कराना है, तो लाइब्रेरी इन्होंने बनाई इसी तरीके से कि दो अलग अलग जगह पे मिलता है, अदरवाइज वो हमें लगाना पड़ता है इफ, ठीक है। सर ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा या एरर रिस्पॉन्स डॉट डेटा ये स्ट्रक्चर कहीं पे मेंशन हुआ हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल मेंशन हुआ हुआ है, एक्सियोस की लाइब्रेरी में मेंशन हुआ हुआ है। ये मैं गया npm में, एक्सियोस के ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं असल में ना, ये एक्सियोस की लाइब्रेरी के अंदर आ गया मैं, और ये एक्सियोस की लाइब्रेरी के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा ना, तो ये शुरू में तो कुछ एग्जाम्पल्स बनाई हुई इन्होंने एक दो, देखो गेट की रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है, कि ये रिस्पॉन्स है, ये एरर है, ये इस तरह करके उन्होंने एग्जाम्पल बना दिया। लेकिन अब ये इस रिस्पॉन्स में क्या क्या कुछ पॉसिबल है और इस एरर में क्या क्या कुछ पॉसिबल है ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें रिक्वेस्ट जहाँ पे होगा ना, एक मिनट टॉप पे चलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्कीमा, ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्स स्कीमा के अंदर क्या क्या आ सकता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट हेडर, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट, सही है। देखो ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। अब ये इसी तरह एरर का भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा इन्होंने सारा, एरर हैंडलर बिल्कुल लास्ट में इन्होंने एरर हैंडलर बनाया हुआ है, एरर हैंडलर बिल्कुल इनके लास्ट में एक टॉपिक है। अरे भाई किधर चला ये एरर हैंडलर, ये रहा हैंडलिंग एरर, ठीक है, ये वापस इंडेक्स में आके मैंने देखा है, हैंडलिंग एरर वाले टॉपिक पे जब मैं गया तो हैंडलिंग एरर में देखो ये बताया हुआ है इसने, एरर डॉट रिस्पॉन्स, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट हेडर। एक्चुअली ये रिस्पॉन्स का ही ऑब्जेक्ट है लेकिन एरर डॉट करके मुझे मिल रहा है, सारी चीज़ें सेम है वही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके मेंशन हुई हुई है, तो जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना वो सब डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, हमने मतलब कहीं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सीखा, सही है, डॉक्यूमेंट से देख देख के हम करेंगे। और बेस्ट प्रैक्टिस देखो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ना उसकी जो डेफिनेशन है, हु इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है जो डॉक्यूमेंट से देख के ना चीज़ लिख ले, उसको इस्तेमाल कर ले, लाइब्रेरी को डॉक्यूमेंट पढ़ के इस्तेमाल कर ले अगर कोई बंदा, तो उसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं मुझे अच्छा मुझे ये चीज़ें याद क्यों हुई हैं, मैं बगैर देखे क्यों लिखता जा रहा हूँ, आपने देखा मैंने पहले गलत लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा ना मुझे वो रिकॉल हो गया, वो इस वजह से हुआ है कि मैं डेली बेसिस पे ये काम कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें याद हो गई हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें बार बार देखनी पड़ रही है डॉक्यूमेंट में जाके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको अभी सीखते हुए 2-3 महीने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एक बंदा जैसे अब मैं हूँ, मुझे तकरीबन अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो ज़ाहिर है मुझे तो चीज़ें याद होनी चाहिए ना, मेरे तो हाथ पे वो सेट है। लेकिन अगर आपके हाथ पे वो सेट नहीं है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन,
अच्छा ये गेट ऑल यूज़र क्या है, इसको तो डिलीट करो। अब मुझे लॉग इन सर का आज आपकी वीडियो बंद, वीडियो सॉरी नहीं मतलब अपनी वीडियो बंद की हुई है, सिर्फ वॉइस आ रही है। हाँ यार वीडियो मैंने आज बंद की हुई है। अच्छा तो हमने ना ये साइन अप का फंक्शन बना लिया, मेरा ख्याल है कि लॉगिन का फंक्शन ना मेरे ख्याल है आज रहने देते हैं, हम ऊपर भी निकल आए हैं टाइम से अपना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ना लॉगिन का फंक्शन बनाएं। बल्कि क्या ही अच्छा होगा लॉगिन का फंक्शन आप लोग बना कर ले आएँ, ये जितना कुछ मैं बना चुका हूँ ना ये सारा अपने हाथ से लिखे आप और लॉगिन का फंक्शन आप बना कर ले आएँ। लॉगिन का फंक्शन क्या हो, जैसे ही मैं लॉगिन का बटन दबाऊँ तो मुझे वो बता देगा यार लॉगिन सक्सेसफुल, बस इतनी सी बात है, इसी के ही नीचे वो बनेगा फॉर्म, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है तो ये आप बना कर लाइएगा अगली क्लास दादी की खुशी में बना लेंगे। हाँ चलो अच्छा ये